वेलकम, गुड इवनिंग। काफी सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वेरी गुड। सो हाउ आर वी डूइंग गाइस? रेडी टू लर्न इंडियन रेमिटेंस एक्ट? हाय दीप्ति, हाय जोहा, हाय सरिता, कैसे हो सब लोग? हेलो एवरीवन। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन उसमें केस लॉज एंड इतने सारे प्रिंसिपल्स जो हैं उन पे अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर तो आज की रात भी हमें पूरी लग जाएगी, राइट? एंड दैट इज व्हाई आज हम करेंगे, लेकिन रैपिड रिवीजन करेंगे। तो बहुत सारे केसेस अगर जिनके मैं आपको फैक्ट्स नहीं भी बताऊं तो आई अज्यूम, आई प्रिज्यूम कि आपको उनके फैक्ट्स तो पता होंगे, और अगर कहीं नहीं भी पता होंगे तो आई विल ट्राई कि हम आज वही करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। हाय अनु, ग्रेट, ऑल राइट, ठीक है। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा उसका बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं, राइट? सो जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट आया कब से और ये सारी चीजें वैसे जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में अपने आप में ही इतने ज्यादा प्रिंसिपल है, इतनी ज्यादा केस लॉज है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाली इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, लेकिन अगर कभी पूछ ली गई तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, राइट? डरो मत, डर के आगे जीते, चलो आगे बढ़ो। 1868 में ये हुआ था। कमीशन किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बनी थी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है। दिस इज अ फेयरली दिस इज अ क्वेश्चन जो कि काफी बार पूछा जा चुका है और ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो कि सर हेनरी मेन के कमीशन के अंदर ये इंडियन एविडेंस एक्ट बना था। किसने बनाया था? सर हेनरी मेन ने बनाया था क्या? नहीं, बनाया किसी और ने था। तो किसने बनाया था? सर स्टीफन फिट जेम्स स्टीफन नाम था सर का, उन्होंने ये किया था। थैंक यू अर्पिता, ठीक है। आ जाओ अब इंडियन एविडेंस एक्ट पे आ जाओ जल्दी से, ठीक। तो 1870s में ये जो टास्क था कि इंडियन एविडेंस एक्ट बनाना है और कैसे बनाना है, देखो इंडिया में जितने भी जो लॉज हैं, जो मैक्सिमम लॉज हैं, वो कैसे बने हैं, वो बने हैं थ्रू कॉमन लॉ, राइट? तो यानी कोर्ट में केसेस चलते गए और कोर्ट में उन केसेस के बाद डिसाइड हुआ कि ये प्रोसीजर अब हम अपनाएंगे। तो उन्हीं सारे प्रोसीजर्स को कंपाइल करके एक नया एक्ट बनाना जो एक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बढ़िया हो, ऐसा एक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई थी? सर जेम्स स्टीफन के पास, ठीक। इसके बाद सर जेम्स स्टीफन ने उन्होंने कोड बनाया था, इस कोड को उन्होंने प्रेजेंट किया, इसको फिर और इसके इस एक ड्राफ्ट को बार बार रीड्राफ्ट किया गया तब तक जब तक ये फाइनल डॉक्यूमेंट ना बन गया। इसके बाद इसे पास किया गया था। तो ये दो नाम आपको पता होने चाहिए, सर हेनरी मेन का नाम भी आपको पता होना चाहिए और जेम्स स्टीफन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑल राइट, इसके बाद शुरू से शुरू कर रहे हैं तो ये भी समझ में आना चाहिए कि एविडेंस वर्ड कहाँ से आया है, राइट? एविडेंस वर्ड कहाँ से आया? तो एक लैटिन वर्ड होता था जो कि जिसे हम एविडेंट कहते थे या फिर एविडेयर कहते थे, राइट? इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कुछ चीज असर्टेन करना, यानी किसी बात को प्रूफ करना, किसी बात को साबित करना, किसी बात के साक्ष्य लेकर आना, ये होता था इसका मीनिंग। तो लैटिन वर्ड क्या था वो याद रखो, एविडेयर नाम था, लैटिन वर्ड जो वर्ड था वो एविडेयर था और उससे आया है एविडेंस, ठीक। एविडेंट से आया है एविडेंस, ठीक, बिल्कुल ठीक, ऑल राइट। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको बेयर एक्ट में ही मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इसको बिल्कुल ये वाली चीज ना आपको हर लॉ के बारे में पता होनी चाहिए। अबाउट एवरी लॉ जो भी आपके एग्जाम में आ रहा है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कितने टोटल चैप्टर हैं और कितने टोटल सेक्शंस हैं। तो कितने टोटल सेक्शंस यहाँ पे हैं? 167 सेक्शंस हैं, ठीक। चैप्टर्स कितने हैं? 11 चैप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है कि कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। सेक्शन 5 जो है वो हमें बताता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि इस
चैप्टर के अंदर आने वाले फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट होंगे, लेकिन क्या वो हमें ये बताता है कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है? तो कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे वो कौन से सेक्शन बताता है? सेक्शन 6 से बात की जाती है वहां पे कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। ठीक, पहला जो चैप्टर है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है, पार्ट 2 बात करता है प्रूफ से, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, ये सारी ही चीजें। ठीक, और जो लास्ट पार्ट है वो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस यानी विटनेसेस के बारे में, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में, यहां पे हम लास्ट में पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक राम, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही आपको इस का टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक, ऑल राइट। अब देखो कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन, तो एविडेंस एक्ट कब एनफोर्स हुआ? जो भी जब भी आपसे कोई डेट पूछी जाती है तो वो हमेशा एनफोर्समेंट डेट होती है। ठीक है, एनैक्टमेंट डेट बहुत बहुत कभी रेयरली कहीं पूछी गई होगी, लेकिन एनफोर्समेंट डेट तो पूछी जाती है। तो ये कब एनफोर्स हुआ था? 1 सितंबर 1872 से एनफोर्स हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है एंड दिस डेट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन एमपी जुडिशरी, तो ये वाली डेट तो आपको याद होनी चाहिए। 1 सितंबर कैसे याद रखेंगे? मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, तो दैट इज हाउ यू विल रिमेम्बर 1 सितंबर। ठीक, कहाँ एक्सटेंड करता है? पूरे इंडिया पे करता है, जम्मू कश्मीर पे भी करता है। इसके अलावा कहाँ अप्लाई करता है? तो ये वाला जो थर्ड जो पॉइंटर है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बता रहा है आपको कि ये सारी ही कोर्ट प्रोसीडिंग पे अप्लाई करता है, एविडेंस एक्ट सारी ही तरह की कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल पे भी अप्लाई करता है। लेकिन अगर कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट या फिर इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के अंदर हुआ तो फिर अप्लाई नहीं करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट, अदरवाइज करेगा। इस चीज को ध्यान रखो, सारी ही कोर्ट प्रोसीडिंग पे अप्लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोर्ट प्रोसीडिंग क्या होती है और क्या नहीं होती है ये भी हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में ही बताया गया है, तो एक बार जरा देखते हैं जल्दी से। इसके बाद ये पॉइंट कि इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है ना कि लेक्स लोकी, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्ट को अगर आप स्टार्ट करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिन्हें आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, जैसे कि ये एक्ट लेक्स लोकी है, लेक्स फोरी है, या फिर ये एक्ट का एनफोर्समेंट किस दिन हुआ था, एनैक्टमेंट डेट भी आपको याद होनी चाहिए, ईयर भूलना नहीं है कभी भी। ठीक है, ईयर आई नो बहुत बेसिक चीज है लेकिन लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं भूलना है। इसके अलावा ये जो एक्ट है, कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक्ट जो है वो किस कमीशन, किस लॉ कमीशन की रिपोर्ट से, किस किस कमिटी की रिपोर्ट से आया था, इसके बाद उस कमिटी को हेड किसने किया था, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हमेशा किसी भी लॉ को स्टार्ट करने से पहले शुरू कर देनी चाहिए। ये हमेशा पहला, आप जो भी नोटबुक बनाते हैं ना उसमें सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। ऑल राइट, इसके बाद देखो इंडियन एविडेंस एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी कुछ केसेस जो ऑलरेडी चल रहे थे 1872 से पहले भी जो केसेस दायर हो चुके थे, जो दावे दर्ज हो चुके थे, उन पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर है। ठीक, इसके बाद ये कह रहा है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट अगर एग्जॉस्टिव नहीं है तो फिर और क्या यहाँ पे लगता है, और कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे इम्प्लाई होती हैं? यानी सिर्फ एविडेंस के जो रूल्स हैं वो तो सारे यहाँ दिए हुए हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं क्या जो इंडियन जो एविडेंस की तरह ली जा सकती है? किसी को पता है इसका आंसर? विशाल आपको पता है इसका आंसर कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, तो एग्जॉस्टिव नहीं है तो फिर और क्या अप्लाई होता है ये पता है क्या? इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा एविडेंस में जो रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ है, जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंग्लिश लॉ है, यानी वो जो कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन्स है ना, उनको भी अप्लाई किया जा सकता है। बस शर्त ये है कि वो डॉक्ट्रिन्स, वो लॉ, वो रूल्स इंडियन लॉ के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होने चाहिए, यानी बिल्कुल ही ऑपोजिट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इंग्लिश डॉक्ट्रिन्स को, इंग्लिश रूल्स को, इंग्लिश लॉ को भी अप्लाई किया जाता है इन एविडेंस। जहां कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट लैक करता है, जहां कहीं भी देर इज अ गैप,
जहां पे हमें एविडेंस की जरूरत है और इंडियन एविडेंस एक्ट उस बारे में साइलेंट है, तो वहां पे हम इंग्लिश डॉक्ट्रिन्स भी यूज कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट फातिमा, रूल ऑफ इंग्लिश लॉ इज अप्लाइड इन इंडियन एविडेंस एक्ट, परफेक्ट। ठीक, इसके बाद हम कोर्ट पे आते हैं। अच्छा, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव? कौन मुझे जल्दी से बताएगा, कौन मुझे जल्दी से बता देगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है? जल्दी से बताइए, जीतने वाले को कुछ नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा आशीर्वाद। जल्दी से बताओ, इजी सवाल है ये, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल है या फिर सब्सटेंटिव? राजदा बता रही है कि प्रोसीजरल है, विशाल बता रहे एडजेक्टिव है। बिल्कुल ठीक। सी, अगर डिस्टिंग्विश करना ही है तो दो ही तरीके से होता है ना, यानी एक तो प्रोसीजरल होता है और एक सब्सटेंटिव होता है। डिफरेंस क्या होता है? सब्सटेंटिव इज बेसिकली एनीथिंग। सब्सटेंटिव में क्या होता है? सब्सटेंटिव में यानी आपके पास रूल्स, लाइबिलिटीज, राइट्स, ये सारी चीजें होंगी। ठीक, जैसे मर्डर नहीं करना है, मर्डर किया तो पनिशमेंट मिलेगी, लाइबिलिटी थोप दी आपके ऊपर, तो आईपीसी क्या हुआ? सब्सटेंटिव हो गया। सब्सटेंटिव जो नहीं है वो प्रोसीजरल है। लेकिन क्या एविडेंस में प्रोसीजर बताया गया है? क्या आपको ये बताया गया है कि आपको कोर्ट कब जाना है और कोर्ट में क्या करना है? ये सारी बातें बताई गई है क्या? तो एग्जैक्टली ये सब नहीं बताया गया है, राइट? तो इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। एडजेक्टिव लॉ क्या होता है? एडजेक्टिव लॉ इज बेसिकली एनी लॉ जो हेल्प करता है हमें प्रोसीजर में। तो आपको प्रोसीजर में हेल्प कौन करता है? एविडेंस एक्ट करता है। यहीं से तो आपको पता चलता है कि विटनेसेस कौन है, विटनेसेस कौन नहीं हो सकते, कौन से प्रूफ दिए जा सकते हैं, कौन से फैक्ट्स नहीं प्रूफ किए जा सकते। तो ये सारी बातें आपको कौन बताता है? इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। एंड दैट इज वाई एंड फॉर दिस रीजन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसे हम कहते हैं कि वो एडजेक्टिव लॉ है। ठीक, इंडियन एविडेंस एक्ट इज एडजेक्टिव लॉ इन नेचर। लेकिन अगर ऑप्शन में से दो ही चीजें हो, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव, तो गो फॉर प्रोसीजरल। ठीक, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक। एस्टॉपल का प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन, प्रोसीजरल है पर 115 से लेके 117 जहां पे एस्टॉपल का रूल है वो एक्सेप्शन है। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट जिंकल। ठीक, अब आ जाओ सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 आपको बताता है कोर्ट क्या होता है। ठीक, कोर्ट क्या होते हैं, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं। इसके अलावा ये क्या बता रहा है कि कोर्ट में क्या क्या आते हैं? जजेस आ जाते हैं, सारे मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं। कौन नहीं आता फिर? कौन नहीं आता? आर्बिट्रेटर्स नहीं आते। आर्बिट्रेटर्स नहीं आते, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, वो सारे पर्सन आ जाएंगे लेकिन आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। तो आर्बिट्रेटर को अलग से क्यों हटाया है इस लिस्ट से? कुछ पर्सनल तो नहीं है। तो आर्बिट्रेशन क्यों हटाया गया है, इसके ऊपर भी देर इज अ गुड केस लॉ। ठीक, केस लॉ का देखो, सीआईटी वर्सेस ईस्ट कोर्ट कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह बताया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी भी कोर्ट में नहीं आएंगी। इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है, जो छापे की कार्यवाही करती है, जो ये डिटरमाइन करती है कि कितना इनकम टैक्स लगाना है, कितना और अगर इनकम टैक्स ड्यू हो गया है तो क्या प्रोसीडिंग करनी है, ये सारी चीजें जो डिसाइड करती है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी, वो भी कोर्ट नहीं है। तो कौन कौन कोर्ट में नहीं आया? तो कोर्ट में नहीं आया कौन? हमारे आर्बिट्रेटर्स नहीं आए, इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं आई। तो फिर कोर्ट हुआ क्या? व्हाट इज कोर्ट? तो इस सवाल का जवाब आपको दिया है ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण के केस में। देखो इस केस में क्या कहा? इस केस में कहा कि कोर्ट होता क्या है? कोर्ट इज अ बॉडी और फोरम विच इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ डिसीजन और अ जजमेंट विच इज फाइनल एंड अथॉरिटेटिव इन नेचर। ये जो दो वर्ड है ना, फाइनल एंड अथॉरिटेटिव इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में क्या होता है? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में बेसिकली एक आर्बिट्रेटर होता है जो आपके झगड़े को म्यूचुअल समझौता करवा के सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर आर्बिट्रेशन से बात नहीं बनी तो फिर क्या करोगे? कोर्ट जाओगे, राइट? तो इसका मतलब ना ही ये अथॉरिटेटिव है ना ही ये फाइनल है, राइट? एंड दैट इज व्हाई आर्बिट्रेटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। So, अभी तक आपको यह पता था कि आर्बिट्रेटर नहीं इंक्लूड होता है, लेकिन अब आपको यह भी पता है कि क्यों नहीं होता है, राइट? एंड फॉर दिस सेम रीजन इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी इसमें नहीं आती है।
राइट, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी इसके अंदर नहीं आती है, ट्रिब्यूनल्स भी नहीं आते हैं, बिल्कुल ठीक। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो होती है ना, वो उन पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही अप्लाई होता है बस। ठीक, इसके बाद मुन्ना लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में ये बताया कि फैमिली कोर्ट्स जो होते हैं वो तो कोर्ट होते हैं। सी, हमें जब डेफिनेशन बताई कोर्ट की, तो उसमें क्या बताया, सारे जजेस सारे मैजिस्ट्रेट्स किस में आएंगे, कोर्ट की डेफिनेशन में आएंगे। राइट, फैमिली कोर्ट को कौन प्रिसाइड करता है, हु प्रिसाइड्स फैमिली कोर्ट, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। राइट, एंड दैट इज व्हाई फैमिली कोर्ट्स तो कोर्ट है। ठीक, फैमिली कोर्ट्स आर कोर्ट। इसके बाद आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टू मेक। सो एक नया बैच आ रहा है जुडिशरी गोल्ड का, जो कि है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच। यहाँ पे शुरू से शुरुआत करने के लिए, स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ने के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स। इसके अलावा जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है JSM, वो भी मिलेगा। पर्सनलाइज आंसर राइटिंग स्क्रिप्ट मिलेंगी, यानी हम आपको बताएंगे कि आपको मेंस में आंसर कैसे लिखना चाहिए। सिर्फ प्री की तैयारी नहीं, मेंस की, इंटरव्यू की, हर चीज की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास समय नहीं है कि आप इतनी सारी लाइव क्लासेस देखो, तो आप JG1 बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन अगर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में डाउट हुआ तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू उसे आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव मेंटरिंग सेशन। तो सारे ही बेनिफिट जो आपको लाइव क्लासेस के मिलते हैं, वो सारे ही बेनिफिट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। इन दोनों में ही एडमिशन लेने के लिए आप AIJSAT, यानी ऑल इंडिया जुडिशरी एंड स्कॉलरशिप प्लस एडमिशन टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं, जो कि होने वाला है 24 अप्रैल को, 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलेगा। तो इसमें एनरोल कर लीजिए। ऑल राइट, अब वापस आ जाते हैं। ठीक, तो वापस आके हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने कोर्ट के बारे में देखा। तो कोर्ट के बारे में जो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी, वो ये है कि कोर्ट वो है जिसका डिसीजन फाइनल है और अथॉरिटेटिव है। ये है कोर्ट, राइट? तो आर्बिट्रेटर तो कोर्ट नहीं हुआ, ना ही इनकम टैक्स अथॉरिटी कोर्ट हुई। आर्बिट्रेटर के ऊपर फिर से केस गया कि क्यों नहीं माना जा रहा है इनको कोर्ट। इस चीज के ऊपर फिर से सवाल उठा कि क्यों आर्बिट्रेटर्स को हम कोर्ट नहीं मानते, इनका भी डिसीजन फाइनल होता है। तो कोर्ट ने कहा कि इनका डिसीजन फाइनल नहीं होता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड से अगर आप सहमत नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे। इसीलिए आर्बिट्रेशन इज नॉट फाइनल और अथॉरिटेटिव, एंड दैट इज वाई आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। तो देखो, हरालाल सिंह वर्सेस स्टेट इंडस्ट्रियल कोर्ट में ये बताया गया कि जो रूल्स ऑफ द एक्ट है, यानी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो प्रोसीजर जो आर्बिट्रेटर यूज करता है उनपे अप्लाई नहीं होता। तो फिर आर्बिट्रेशन में कौन सा प्रोसीजर यूज होता है, कोई मुझे बताएगा, कौन सा प्रोसीजर यूज होता है, मुझे कोई बताएगा आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेशन में जो प्रोसीजर यूज होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। ठीक, इसके बाद देखो अब हम आते हैं फैक्ट पे। तो फैक्ट क्या है, सभी कुछ फैक्ट है, एवरीथिंग इज अ फैक्ट। ठीक, कोई फिजिकल फैक्ट, कोई मेंटल एलिमेंट, ये सारी ही चीजें फैक्ट है, राइट? ऑल ऑफ दीज आर फैक्ट। तो यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में फैक्ट डिस्कस किया है, क्या बताया है, सारी ही चीजें फैक्ट होंगी, राइट? एनीथिंग, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज इज अ फैक्ट, कोई भी चीज इज अ फैक्ट। किसी पर्सन का मर्डर हुआ, डेड बॉडी फ्लोर पे पड़ी थी, ये क्या है, ये फैक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग्स, कमरे में सामान अस्त व्यस्त था, सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था, ये क्या है, ये भी फैक्ट है। रिलेशन ऑफ थिंग्स, सारा सामान फैला हुआ था और जेवरात गायब थे, यानी मर्डर क्यों हुआ था, मर्डर जरूर हुआ होगा चोरी के इंटेंशन से, डकैती के इंटेंशन से मर्डर हुआ होगा, राइट? क्या है ये भी फैक्ट है। दैट कैन बी सेंस, ऐसी कोई भी चीज जो कि इनको सेंस किया जा सकता है। तो आप अपने 5 सेंसेस से जिस चीज को सेंस कर सकते हैं, जिस चीज को महसूस कर सकते हैं, वो सारी ही चीजें क्या है, वो सब फैक्ट है। एवरीथिंग इज अ फैक्ट। ऑल राइट, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस,
कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए कोई पर्सन कॉन्शियस है, जैसे घबराहट, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं सामने वाले घर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही है, मुझे डर लग रहा है, क्या है ये? ये भी फैक्ट है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो आप जो महसूस करते हैं वो भी फैक्ट है, ऐसी कोई मेंटल कंडीशन जिसके बारे में आप जानते हैं वो भी फैक्ट है, कोई भी वस्तु वो भी फैक्ट है। एक चीज का दूसरे चीज से रिलेशन क्या था, कैसे ये दोनों कनेक्टेड है, ये भी फैक्ट है। तो हर चीज इज अ फैक्ट, ठीक। तो अब जब हम फैक्ट समझ गए हैं, तो ऐसे में ये समझना कि फैक्ट कितने टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एज पर सेक्शन 3, रेलेवेंट फैक्ट आर दोज विच नीडेड टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट। अब फैक्ट तो सब कुछ है, तो क्या सारी ही फैक्ट्स रेलेवेंट है? क्या सारे ही फैक्ट सुसंगत है? क्या हर चीज को हम कोर्ट में ले जा सकते हैं? क्या हम ये कोर्ट को बता सकते हैं कि कल तो मैं बाल कटवाने गई थी और फिर वहां पे मैंने ऐसा कुछ देखा और ये हुआ और वो हुआ? क्या हम सारी चीजें कोर्ट को बताएंगे? नहीं, हम सिर्फ वो चीजें बताएंगे जिससे फैक्ट इन इशू जो है वो प्रूफ या डिसप्रूव हो जाए। सिर्फ उतनी ही बातें काम में ली जाती हैं, हर कुछ आप कोर्ट में नहीं बताते, ठीक। आप सारी रामायण लेके नहीं बैठेंगे ये बताने के लिए कि राम कौन था सीता कौन थी, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, राम किसके बेटे थे, सीता माता किसकी बेटी थी, बस इतना। सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, राइट। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं? एविडेंशरी फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट्स को ही हम फैक्टम प्रोबेंडम या फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। इसके बाद आओ सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या डिफाइन करता है? फैक्ट भी डिफाइन करता है, फैक्ट इन इशू भी डिफाइन करता है। और क्या बता रहा है ये हमें? तो अगर हम इसको पूरे सेक्शन को क्रक्स में देखें, तो हमें ये बताता है, हाँ, फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू इज हैपनिंग और एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, ऐसी कोई चीज विच आर पर्टिकुलरली नॉलेज और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनीथिंग। फैक्ट इन इशू क्या है? वो चीज है, वो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर पूरा केस चल रहा है, वो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर पूरा केस चल रहा है। एक पर्सन पंखे से लटका हुआ मिला, फैक्ट इन इशू क्या होगा? फैक्ट इन इशू ये होगा कि क्या ये सुसाइड से डेथ हुई है, इज इट डेथ बाय सुसाइड, या फिर किसी पर्सन ने इसको स्टेज किया है, यानी ये हुआ मर्डर है लेकिन दिखाया जा रहा है एज अ सुसाइड। तो क्या फैक्ट इन इशू होंगे? पहला फैक्ट इन इशू ये होगा कि क्या सुसाइड हुई है, दूसरा अगर हाँ तो क्यों, क्या रीजन था, तीसरा अगर नहीं हुई तो फिर क्या रीजन था, किसने मारा होगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है? ये फैक्ट इन इशू है, जो मेन मैटर होता है केस में, किसी भी केस में जो मेन मुद्दा होता है वो होता है फैक्ट इन इशू, ठीक। वो क्या होता है? वो होता है हमारा फैक्ट इन इशू, ठीक। अब फैक्ट इन इशू आर दोस फैक्ट्स विच आर इन क्वेश्चन और दोस फैक्ट विच नीड टू बी प्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग सम इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इंफेरेंसेस आउट ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑब्टेनिंग जस्टिस। जस्टिस ऑब्टेन करने के लिए जिन तथ्यों का प्रूव या डिसप्रूव होना जरूरी है, जिन तथ्यों का ये प्रूव होना जरूरी है कि वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, ये चीजें जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे फैक्ट इन इशू है। तो क्या सारी ही चीजें फैक्ट इन इशू है? नहीं, सारे ही फैक्ट फैक्ट इन इशू नहीं होते। सी, अगर हमें कैटेगराइजेशन देखना रहे तो हम कैसे देखेंगे इसको? तो सबसे पहले तो आते हैं फैक्ट्स। तो फैक्ट्स क्या है? फैक्ट सभी कुछ है, कोई भी फिजिकल चीज जिसको आप सेंस कर सकते हो, कोई भी मेंटल एलिमेंट जिसे आप फील कर सकते हो, वो सारे ही चीजें फैक्ट्स है, ठीक, सारे ही फैक्ट्स है। इसके बाद आते हैं कि क्या सारे फैक्ट्स को हम ले लेंगे? नहीं, हम सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है, हम सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स को इंपॉर्टेंट मानेंगे। यानी रेलेवेंट फैक्ट हम कैसे देखेंगे? तो जो भी फैक्ट इन इशू है, यानी जो मेन मुद्दा है, उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो फैक्ट्स हम कोर्ट में यूज करेंगे, वही फैक्ट्स हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे, वही फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे और बाकी सारे फैक्ट्स इररेलेवेंट होंगे, जिन्हें नहीं सुना जाएगा कोर्ट में, जिन्हें कोर्ट में आपको पेश करने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी, ये फैक्ट्स हमारे इररेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। इसके बाद रेलेवेंट फैक्ट से आप प्रूफ क्या करते हो? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को आप रेलेवेंट फैक्ट से प्रूफ या डिसप्रूव करते हो, ठीक।
या तो आप ये बताते हो कि हाँ ये फैक्ट्स है, या तो आप ये बताते हो कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डॉक्यूमेंट पे आओ। तो डॉक्यूमेंट किससे हम क्या समझते हैं, जब भी डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किया जाता है तो अपने आप ही आंखों के सामने एक फ्लैश आ जाता है जहां पे पेपर से रिलेटेड कुछ होता होगा, राइट। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि डॉक्यूमेंट तो कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट कैन बी एनीथिंग। तो वो छोटा सा चावल का दाना जिसपे लोग नाम लिखवाते हैं, राइट, वो भी डॉक्यूमेंट है। पेड़ के ऊपर जो लोग दिल बनाकर आ जाते हैं वो भी डॉक्यूमेंट है, राइट। चट्टानों के ऊपर जो लोग गोदाबादी करके आ जाते हैं, चट्टान भी डॉक्यूमेंट है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर कुछ मैटर लिखा गया है, वो सारी ही चीजें क्या है, वो सबका सब डॉक्यूमेंट है। ऑल ऑफ इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट और फैक्ट एंड इशू को हम इंटरचेंजेबली ही यूज करते हैं राम, राइट। इशू ऑफ फैक्ट को और फैक्ट एंड इशू को हम इंटरचेंजेबली ही यूज करते हैं। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है? ठीक, तो डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट इज एनी राइटिंग, किसी भी तरह की राइटिंग, एनी राइटिंग, राइट, किसी भी जिसपे कोई किसी तरह के मार्क्स हो। यानी जरूरी नहीं आपने इंग्लिश या हिंदी या फिर किसी लैंग्वेज में ही कुछ लिखा हो सकता है आपने उसपे कुछ मार्क्स लगा दिए हो सकता है आपने उसपे कुछ फिगर में बनाया हो, वो सब कुछ भी क्या है, वो सारी चीजें भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। फिगर्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ सर्फेस फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग अ मैटर। तो भीम बैठका देखा है किसी ने? भोपाल में बहुत ही अच्छी टूरिज्म साइट है भीम बैठका। वहां पे चट्टानों पे देर आर इंस्क्रिप्शंस, तो क्या वो पूरी चट्टान डॉक्यूमेंट कहलाएगी? जल्दी से मुझे बताओ, क्या पूरी चट्टान को हम डॉक्यूमेंट कह देंगे? जल्दी से बताओ, क्या लगता है तुम्हें, क्या वो चट्टान पूरी डॉक्यूमेंट में आएगी या नहीं आएगी? टेल मी क्विकली। तुम लोग मुझे बता रहे हो, तब तक मैं तुम्हें केस बताती हूँ। आर वर्सेस जाएगा केस। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में पहले, बहुत पुराना केस है ये, प्रिवी काउंसिल के समय का केस है। तो एक जो वुडन प्लेट होती थी, उस वुडन प्लेट पे लोग जब मार्क करते थे कि आज ये दिन मैंने दूध डिलीवर किया है, ये दिन नहीं किया है, ये दिन किया है, ये दिन नहीं किया है, तो वो जो वुडन प्लेट पे जो मार्किंग की गई थी उसे भी डॉक्यूमेंट माना गया था, उसे भी डॉक्यूमेंट माना गया था। मोस्टली सभी का आंसर सही आ रहा है, मोस्टली सभी का आंसर सही है, फैक्ट है। वो जो डॉक्यू जिस चट्टान का हम बात कर रहे हैं, वो चट्टान भी क्या है, वो चट्टान भी डॉक्यूमेंट है। किसी भी सरफेस पे कुछ भी इंस्क्राइब्ड है अगर, तो वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। हर वो चीज जिस पे कुछ इंस्क्राइब्ड है वो डॉक्यूमेंट है। मैं अपने हाथ पे कुछ लिख दूं तो क्या मेरा हाथ डॉक्यूमेंट है? वो भी डॉक्यूमेंट है। मैं यहाँ पे टैटू बनवा लूं तो क्या ये डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल है, ये भी डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। एवरीथिंग जहां पे कुछ इंस्क्राइब किया गया है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक रुचिका, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद आते हैं एविडेंस पे, कि एविडेंस क्या होता है। डॉक्यूमेंट तक सब समझ गए, राइट। अब एविडेंस क्या होता है, व्हाट इज एविडेंस? तो अब ध्यान से समझो एविडेंस क्या होगा। तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस इन मैटर रिलेशन टू फैक्ट इन इंक्वायरी। ऐसे वो सारे ही ओरल स्टेटमेंट या रिटन स्टेटमेंट जिनको कोर्ट अलाउ करता है केस में पेश करने के लिए, वो सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, एविडेंस है। तो यानी विटनेस की टेस्टिमनी क्या हुई, वो भी एविडेंस हुई, है ना। अगर किसी गवाह ने कोई गवाही दी है तो उस गवाही को भी हम क्या कहेंगे, एविडेंस कहेंगे। जस्ट बिकॉज वो ओरली दिया गया है दैट डज नॉट मीन कि वो एविडेंस नहीं है। तो सारे ही स्टेटमेंट जो कि केस में कोर्ट अलाउ करता है देने के लिए, वो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, वो सारे के सारे स्टेटमेंट एविडेंस है। ठीक, ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल तो सारी सारे जो स्टेटमेंट है जो ओरली दिए गए हैं या रिटर्न में दिए गए हैं, वो सारे स्टेटमेंट तो है ही एविडेंस, साथ में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएगा।
इसमें इन्होंने इंक्लूड क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एविडेंस में आएगा। आर्यन खान का केस सबको पता है, प्रूफ क्या था कि इसने ड्रग्स लिए हैं या ड्रग्स वो ऐसी पार्टी में गया था जहां पे ड्रग्स थे, क्या प्रूफ था? इकलौती जो एक चैट थी वो थी व्हाट्सएप चैट। तो क्या व्हाट्सएप चैट एविडेंस में आ सकती है? सोचो इस चीज को, क्या व्हाट्सएप चैट भी एविडेंस में आ सकती है? शुभी पूछ रही है टेप रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स, क्या टेप रिकॉर्ड, जो टेप रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, टेप रिकॉर्डेड चीजें होती हैं वो भी डॉक्यूमेंट में आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, ये एविडेंस है। अच्छा एक सवाल पूछती हूँ, ये बताओ मुझे कि क्या आपको लगता है अगर एविडेंस अनएथिकली लिया गया है, यानी आपने छुप के किसी के घर में घुस के कोई एविडेंस बरामद किया है, क्या ये एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज आपने इसको अनएथिकली लिया है? मुझे बताना इस बारे में। हाँ बिल्कुल ठीक, वो सेकेंडरी एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट्स आर सेकेंडरी एविडेंस, लेकिन वो भी एविडेंस है, दैट टू आर एविडेंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग कि वो एविडेंस है, जो व्हाट्सएप चैट में व्हाट्सएप चैट पेश की गई है कोर्ट में वो भी एविडेंस है। तो व्हाट्सएप चैट, किसी का पिक्चर, किसी का टेलीफोन रिकॉर्ड, ये सारी ही चीजें क्या हैं? ये सब की सब एविडेंस है। ठीक, हाँ मलकानी, आर एम मलकानी के केस में ये हेल हुआ था कि टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन आर ऑल्सो एविडेंस। बिल्कुल ठीक, तो ये सवाल का भी जवाब आने लगा है कि क्या अनएथिकली प्रोक्योर किए गए एविडेंस को हम एविडेंस नहीं मानेंगे? तो ऐसा कहा गया है कि एथिकली ये प्रोक्योर किया गया है या फिर अनएथिकली प्रोक्योर किया गया है, अगर ये रेलेवेंट है हमारे केस में तो इसे हम एविडेंस मानेंगे, इससे इसकी एविडेंशरी वैल्यू कम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज, राइट? ठीक, ऑलराइट, अब आ जाओ, वापस आ जाओ। देर आर थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, ठीक, तीन मेन प्रिंसिपल होते हैं एविडेंस के। क्या है? पहला, एविडेंस मस्ट बी कंफाइंड टू द मैटर इन इशू। एविडेंस जो है सिर्फ उसी चीज का दिया जाए जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, हर किसी चीज का एविडेंस नहीं देना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर केस में एक अक्यूज को लेकर आया गया, अब इससे सवाल, अब इसके खिलाफ जो विटनेसेस को बुलाया गया है उनसे ये पूछा जा रहा है, आपको क्या लगता है कैसा कैरेक्टर है इस मिस्टर ए का? अब वो बता रहे कि नहीं, मिस्टर ए तो बिल्कुल भगवान समान इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत ही साफ हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, हमें तो बहुत परोपकारी इंसान है। क्या इन सारी चीजों का एविडेंस यहाँ पे रेलेवेंट है कि उसने खून किया है या नहीं? नहीं रेलेवेंट है। तो ऐसे में ऐसा एविडेंस लेने दिया जाएगा क्या? नहीं। तो तीन रूल में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि एविडेंस सिर्फ फैक्ट इन इशू के बारे में हो, मैटर इन इशू के बारे में हो, हर किसी चीज के बारे में एविडेंस आप नहीं दे सकते कोर्ट में, अदरवाइज प्रोसीडिंग्स खत्म ही नहीं होगी। वैसे भी प्रोसीडिंग्स चलती ही जाती है, सालों साल चलती जाती है, अगर हर तरह का एविडेंस लेने दिया जाए तो फिर तो प्रोसीडिंग कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? बिल्कुल ठीक। दूसरा क्या है? हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। हियर से यानी कही सुनी बातें, मैंने कुछ विवादस्वान को कहा, विवादस्वान ने वही चीज नैना को कह दी, नैना ने पूनम को कह दी, पूनम ने टोनी को कह दी, और टोनी जाके पुलिस को बता रहा है। क्या पुलिस इसका एविडेंस सुनेगी? क्या टोनी का जो स्टेटमेंट है उसे रेलेवेंट मानेगी? उससे बोलेगी तुमने देखा, तुमने सुना, तुमने ना देखा, तुमने ना सुना, तुमको ना पता है इस बारे में, तुमसे कैसे, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? जिसने देखा जिसने सुना वही देना एविडेंस। अगर मैंने कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है तो मैं एविडेंस दूंगी, मैंने कुछ देखा है वो जाके मैं किसी को बता रही हूँ, वो किसी और को बता रहे हैं, और वो पर्सन जा रहे हैं कोर्ट, क्या ऐसे विटनेसेस का एविडेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। बचपन में एक गेम होता था, इसको क्या कहते थे, कुछ विस्पर करके इसका नाम था। इसमें क्या होता था बेसिकली कि एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगी, आप किसी और के कान में बताओगे, किसी कोई और किसी और में बताए, चाइनीज विस्पर, किसी और किसी और किसी और को, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, पूरा राउंड चलेगा, और फिर बाद में जो बात निकलती है वो तो कुछ और ही होती है, राइट? बाद में एंड में जो बात निकलती है वो तो कुछ और ही होती है। इंडियन एविडेंस एक्ट भी इस चीज को मानता है, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो बिलीव इन चाइनीज विस्पर। तो इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहता है कि कही सुनी बातों को हम नहीं लेंगे रिकॉर्ड पे,
हम नहीं मानेंगे, तुमने देखा है तो तुम आके बताओ, तुमने सुना है तो तुम आके बताओ, वरना हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। साफ साफ मना कर दिया जाएगा ऐसे एविडेंस को। हाउएवर इसके कुछ एक्सेप्शन है, हियर से एविडेंस के कुछ एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन क्या है वो हम देखेंगे, राइट? हाँ, जैसे विजयदीप यहाँ पे बता रहे हैं कि रेस जस्टिस इज एन एक्सेप्शन, बिल्कुल ठीक बता रहे हो विजयदीप, ये जो है ना ये एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है इस जनरल रूल के, वो क्या है वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है? ठीक। और लास्ट क्या है, बेस्ट एविडेंस इज टू बी टेकन, बेस्ट एविडेंस देखा जाए, बेस्ट एविडेंस चुना जाए। बेस्ट एविडेंस मतलब क्या, व्हाट इज बेस्ट एविडेंस? तो एक केस है, देयर इज वन केस, इस केस में जो जो विक्टिम था, विक्टिम ने खुद बताया है कि इस पर्सन ने मुझे मारा है, राइट? विक्टिम खुद कह रहा है कि इस पर्सन ने मुझे मारा है। दूसरा जो विटनेस है, दूसरा कह रहा है कि मैं उस समय था नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने मारा होगा, ये बड़े ही देवता समान इंसान है, इन्होंने मारा नहीं होगा। ये सब क्या है, इनमें से कौन सा एविडेंस भारी है? तो वो स्टेटमेंट जो कि विक्टिम खुद दे रहा है कि इसने मारा है मुझे, ये स्टेटमेंट भारी है, राइट? क्यों? क्योंकि ये बेस्ट एविडेंस है, राइट? तो कभी भी डायरेक्ट एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, ठीक? यानी अगर किसी कोई आई विटनेस आपके पास है तो उसकी टेस्टिमनी तो भगवान स्वरूप है, ठीक है? वो जो टेस्टिमनी है, वो टेस्टिमनी को तो हम बेस्ट एविडेंस मानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की टेस्टिमनी के बेसिस पे ही कन्विक्शन कर दिया जाएगा, किया जा सकता है, लेकिन हमेशा उसे कोरोबोरेट करते हैं, हमेशा उसकी संपुष्टि कराते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि ये भी सही बोल रहा है कि नहीं, अदरवाइज तो किसी के भी वर्ड पे किसी को भी फांसी की सजा हो रही होती, राइट? तो बेस्ट एविडेंस देखा जाएगा हर केस में, बेस्ट एविडेंस जो सबसे डायरेक्ट एविडेंस होगा, जिसको आप प्रूफ कर चुके हो कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, जिसके खिलाफ सामने वाले के पास कोई गवाह नहीं होंगे, कोई सबूत नहीं होंगे, ऐसे एविडेंस को लिया जाए, ऐसे एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन या अक्विटल हो, ठीक? जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, ठीक? ये यहां तक समझ में आया? तो ये जो तीन रूल है एविडेंस के, इसके ऊपर भी मध्य प्रदेश में एक बार सवाल आ चुका है, तो इस इन तीन रूल्स को भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसके बाद आओ, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, इसके अलावा हियरसे एविडेंस होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, सरकमस्टेंशियल होते हैं, ये सारे तरह के एविडेंसेस होते हैं। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, वो एविडेंस जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है? प्राइमरी एविडेंस इज एनी एविडेंस विच डायरेक्टली रिलेट्स टू द फैक्ट एंड इशू, दैट इज प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, जैसे फोटोकॉपीज, अगर किसी चीज को, अगर मुझे किसी बुक में कुछ चीज लिखी है या नहीं लिखी है ये प्रूफ करनी है, तो प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, वो बुक इटसेल्फ, दैट बुक इटसेल्फ विल बी अ प्राइमरी प्राइमरी एविडेंस। लेकिन वो बुक छपना ही बंद हो गई है, वो मिल ही नहीं रही है, किसी एक फ्रेंड के पास उसकी एक सॉफ्ट कॉपी है, तो वो सॉफ्ट कॉपी को हम क्या मानेंगे, दैट सॉफ्ट कॉपी विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस, ठीक? हियर से एविडेंस मतलब क्या, वही कही सुनी बातें, किसी ने देखा, किसी ने कहा, किसी और ने ही जाके बता दिया, ये क्या है, कही सुनी बातें, ये भी एविडेंस का तरीका होता है। डायरेक्ट एंड सरकमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस वो होते हैं जो कि विटनेसेस खुद देते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट से आपको पता चलते हैं। सरकमस्टेंशियल क्या होते हैं, सरकमस्टेंशियल वो होते हैं जो उस सरकमस्टेंसेस में पाए गए थे, जो उन सर्कमस्टांसेस से पाए गए थे। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का सबसे अच्छा केस जो है वो है आरुषि मर्डर केस का। क्या तुम लोगों ने देखा, क्या तुम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में? देर आर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज और लॉट ऑफ मूवीज ऑन दिस पॉइंट, अगर तुमने नहीं देखा है तो जरूर देखना। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का उससे बेहतर कुछ है ही नहीं केस लॉ। केस में एक लड़की और एक आदमी की मृत्यु हुई है, कोई विटनेस नहीं है, किसी ने नहीं देखा किसी को बिल्डिंग में जाते हुए, किसी ने किसी को बिल्डिंग से आते हुए भी नहीं देखा, वहां पे लोगों को पता नहीं चला, जो लोग घर में थे उन्हें, उन्होंने किसी को नहीं देखा, जो भी एविडेंस था सारा का सारा एविडेंस सर्कमस्टेंशियल था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे हुई है ये इस केस में कन्विक्शन। तो अगर कोई और एविडेंस है ही नहीं, किसी तरह का कोई डायरेक्ट एविडेंस अगर है ही नहीं, तो ऐसे में फिर कैसे चीजें प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे किसने खून किया? क्या बाकी एविडेंसेस को नहीं ध्यान में रखा जाएगा? क्या वो जो फिंगरप्रिंट जो कि टेरेस पे छपा था, क्या उस फिंगरप्रिंट की वैल्यू कुछ नहीं है? क्या वो जो बॉडीली फ्लूइड जो उस बेड पे थे, क्या उनकी वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनफैक्ट कई लोग तो ये कहते हैं कि इंसान तो झूठ बोल सकते हैं,
बट सर्कमस्टांसेस डू नॉट लाई, एंड देयरफॉर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की भी बहुत अच्छी एविडेंशियल वैल्यू होती है, राइट? बिल्कुल ठीक, तलवार मूवी हीरमान। ठीक, तो ये सारी चीजें समझ में आई, यहां तक सब कुछ समझ में आया। इसके बाद हरिचरण कुर्मी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये कहा गया था कि कन्फेशन ऑफ को अक्यूज इज नॉट एविडेंस अंडर सेक्शन 3। अब ये सुन के तुम लोगों को ऐसे लग रहा कि मैम ये क्या है, मैम कन्फेशन ऑफ को अक्यूज तो होता है। सी, इस केस में हुआ ये था कि इस केस में ये नहीं कहा कि कन्फेशन जो रहेगा वो एविडेंस ही नहीं कहलाएगा। अगर एक को अक्यूज ने कोई एक स्टेटमेंट दिया है और वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट उसको खुद को भी कल्पेबल नहीं कर रहा है, यानी खुद को भी गिल्टी प्रूव नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं बता रहा है कि और कौन कौन लोग उसके साथ में थे। अगर वो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है, कन्फेशन तो है लेकिन वो कन्फेशन इज नॉट इनकल्पेटरी कन्फेशन, वो कन्फेशन कैसा है, एक्सकल्पेटरी कन्फेशन है, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट उसने दिया है, और वैसा स्टेटमेंट जो कि बाकी किसी भी पर्सन को किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, क्या ऐसे कन्फेशन के बेसिस पे हम कन्विक्शन कर सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, जस्ट बिकॉज कि किसी को अक्यूज्ड ने स्टेटमेंट दे दिया है, दैट डज नॉट मीन कि उसकी वैल्यू, उसकी एविडेंशरी वैल्यू बहुत हाई हो गई, ऐसा नहीं होता। उस स्टेटमेंट को भी आपको कोरोबरेट करना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट में वो बोल क्या रहा है, क्या वो स्टेटमेंट एक्सकल्पेटरी है, चाहे वो स्टेटमेंट इनकल्पेटरी है कैसा स्टेटमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट जो है वो हम देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल सी दैट, राइट? जसिका लाल मर्डर केस जो आप कह रहे हो ना कृति, उसमें तो विटनेसेस थे, उसमें तो इतने विटनेसेस थे लेकिन किसी ने सामने आके बोला नहीं। देयर वर सो मेनी लाइव विटनेसेस वहां पे, तो पू भरे पब में मृत्यु हुई थी उनकी, तो वो तो सबने देखा था लेकिन किसी ने सामने नहीं लेकर आया, कोई सामने बोला नहीं, तो वहां पे तो थे विटनेसेस। इस केस में, आरुषि मर्डर केस में कोई विटनेस ही नहीं था, देयर वॉज नो विटनेस, राइट? ऑल राइट, इसके बाद देखो प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या होता है, साबित हो गया मतलब क्या, इसका क्या मतलब है? सेक्शन 3 बताता है कि प्रूव्ड एज अ फैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी प्रूव्ड। प्रूव्ड कब कहा जाएगा, जब कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को देखते हुए, सारे सबूतों को देखते हुए इस निष्कर्ष पे आए कि जो चीज कही गई है वो हुई है, जो चीज कही गई है वो हुई है। अगर सारे एविडेंसेस को, सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जो कहा जा रहा है वो हुआ है, तो फिर उस चीज को हम क्या कहेंगे, उस चीज को हम कहेंगे कि वो प्रूव हो गई है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो प्रूव हो गई है। सच अ मैटर एज एक्सप्रेस और इफ द कोर्ट मेक्स अ प्रोबेबल इंफेरेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रोबेबल इंफेरेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी एक पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर शक है कि इसने चोरी की है, ठीक है, एक पर्सन है उसके उसके ऊपर शक है कि तुमने चोरी की है। जब इसके घर की छानबीन करी जाती है तो चोरी का सामान भी वहीं से बरामद होता है, तो अब ये क्या हो गया, ये जो फैक्ट है कि चोरी इसी ने की होगी, ये चीज क्या हो गई, प्रूव हो गई। कैसे, प्रोबेबल इंफेरेंस था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट था, और ऐसे ये चीज प्रूव हो गई। अब ये चीज उस सामने वाले पर्सन को डिसप्रूव करनी पड़ेगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मुझे किसी ने फ्रेम किया है, मैं तो भोला भाला इंसान था, वैसा। ठीक, प्रूफ समझ में आया, प्रूफ का मतलब होता है साबित हो जाना, जब कोई चीज साबित हो जाती है, और कैसे कोई चीज साबित होती है, जब कोर्ट हर चीज को, हर तरह के एविडेंस को, हर तरह की डॉक्यूमेंट को, हर तरह के विटनेसेस को सबको मिला के देखता है और ये इस निष्कर्ष पे आता है कि हाँ ये जो कहा जा रहा है ये हुआ होगा, तब उस चीज को हम कहते हैं कि वो प्रूव हो गई। ठीक, डिसप्रूव्ड क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट, यानी जिस चीज को साबित नहीं कर पाए आप। फैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी डिसप्रूव व्हेन द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एविडेंस आफ्टर द ट्रायल एंड प्रोसीडिंग ईदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एज एक्सप्लेन, और इफ द कोर्ट मेक्स अ प्रोबेबल इन्फेरेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट एंड डज नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ केस इन द मैनर। तो जैसे अब यहाँ पे उल्टे एक और चीज का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर केस चल रहा है कि इसने चोरी की है, ठीक, एक पर्सन है, इसके ऊपर केस चल रहा है कि इसने चोरी की है,
उसके घर में चेकिंग हो जाती है, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता चोरी का सामान। एक टिकट जरूर मिलती है जिस टिकट में ये लिखा है कि ये पर्सन तो उस दिन भोपाल में था ही नहीं जब चोरी हुई। इससे क्या चीज प्रूव हुई? इससे ये प्रूव हुआ कि ये पर्सन ने चोरी नहीं की है। क्या चीज डिस्प्रूव हुई? ये चीज डिस्प्रूव हुई कि ये पर्सन चोर है, राइट? ये चीज डिस्प्रूव हो गई कि ये पर्सन चोर है। ये चीज साबित नहीं हो पाई कि वो पर्सन चोर है। आया समझ में? अब प्रूफ डिस्प्रूफ समझ में आया तो नॉट प्रूफ भी समझ में आएगा। नॉट प्रूफ वो है जिसके बारे में हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में हमारे पास बिल्कुल अच्छे एविडेंस नहीं है कि हम ये मान ले कि हाँ ये चीज हुई ही होगी या फिर ये चीज नहीं ही हुई होगी, जिसके बारे में कोर्ट एक ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाया है कि ये जो फैक्ट कहा जा रहा है ये फैक्ट तो पक्का हुआ होगा, या फिर ये जो फैक्ट कहा गया है ये फैक्ट पक्का हुआ ही नहीं होगा। जब कोर्ट ऐसे किसी निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि किसी तरह का एविडेंस नहीं है हमारे पास, किसी तरह का कोई बहुत बेहतरीन सा एविडेंस नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको हम कहेंगे नॉट प्रूव्ड, ठीक है? इसको हम कहेंगे नॉट प्रूव्ड। तो इसको ध्यान रखो, प्रूव मतलब क्या? जो चीज साबित हो गई है, कोर्ट मानता है हाँ यही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। डिसप्रूव क्या? कि बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये तो बात हो ही नहीं सकती, ये डिसप्रूव हो गया। और नॉट प्रूव्ड यानी मे बी, डोंट नो, ठीक है? हाय अमित, ठीक। अब देखो सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 डिफाइंस मे प्रिज्यूम। अब हम प्रिजम्पशन पे आ गए हैं। तो प्रिजम्पशन कितने तरह के होते हैं मुझे कौन जल्दी से बताएगा? प्रिजम्पशन कितने तरह के होते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कौन बताएगा? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये सारे कैसे होते हैं मुझे कौन बताएगा जल्दी से? आप लोग बताओ, तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सेक्शन 4 हमें मे प्रिज्यूम के बारे में बात कर रहा है, यानी जहां भी कोर्ट, जहां भी इंडियन एविडेंस एक्ट में मे प्रिज्यूम वर्ड लिखा है, वहां पे क्या माना जाएगा? उस फैक्ट को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल ठीक, उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा कि ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को कोर्ट मान भी सकती है कि ये हुआ होगा, और कोर्ट नहीं भी मान सकती। यानी कोर्ट का पूरा डिस्क्रिशन है यहाँ पे, ठीक है? कोर्ट के ऊपर आती है बात। कोर्ट मान चाहे तो मानेगा, चाहे तो नहीं मानेगा। अगर कोर्ट ने मान लिया तो भी आप इसको डिसप्रूव कर सकते हो, और कोर्ट ने नहीं माना तो भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो, ठीक? यानी एविडेंसेस का खेल है यहाँ पे। एविडेंस बताएंगे कि कौन सी चीज प्रूव होगी और कौन सी चीज डिसप्रूव होगी, ठीक? दूसरा है शैल प्रिज्यूम। तो मे प्रिज्यूम जो होता है, बिल्कुल ठीक, सबका आंसर सही है। ये अच्छी चीज है कि तुम लोग पहले से पढ़ के आए हो ताकि हम रैपिडली इसको रिवाइज कर सके, ठीक? तो अब हम आते हैं शैल प्रिज्यूम पे, ठीक है? कि शैल प्रिज्यूम क्या होता होगा? तो देखो शैल प्रिज्यूम क्या है बेसिकली? शैल प्रिज्यूम होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज रिबटेबल। यानी इसे कोर्ट तो मानेगा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अभी भी पार्टी के पास ऑप्शन है, अभी भी पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इस चीज को डिसप्रूव कर दे, वो इस चीज के खिलाफ दूसरा सबूत ले आए। ये ऑप्शन अभी भी पार्टी के पास है। तो मे प्रिज्यूम क्या होता है? मे प्रिज्यूम यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है? एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप प्रूफ करो कि वो गिल्टी है। कैसे प्रूफ करोगे? फैक्ट से प्रूफ करोगे, राइट? तो ये क्या है? ये हो गया हमारा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या हुआ? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोर्ट पहले से ही इस चीज को मान के रखेगा कि तुमने गुनाह किया है, तुमने कुछ किया होगा। कोर्ट पहले से मन बना के बैठा है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम लेकर आओ एविडेंस, तुम लेकर आओ गवाह, तुम बताओ डॉक्यूमेंट के थ्रू कि तुमने नहीं किया है, ठीक? मे प्रिज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट चाहे तो उस चीज को नहीं भी माने, लेकिन शैल प्रिज्यूम में तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ता है, कोर्ट को तो मानना ही पड़ता है, ठीक? अगर किसी शादीशुदा महिला का 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अगर उसका उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ कैसे हो रही है? उसकी डेथ हो रही है इन अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस, यानी नेचुरल नेचुरल कॉजेस की वजह से डेथ नहीं हुई है, तो ऐसे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? हाँ मैं बताती हूँ, ऐसे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? ऐसे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, ऐसे में कोर्ट ये मानेगा कि उसकी हत्या जरूर, हाँ ऐसे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जो हत्या है वो कैसे हुई है? वो हुई है डाउरी डेथ के कारण, यानी
डेथ ऑफ अ मैरिड वुमेन के केस में जैसे होगी। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसे में कोर्ट ये मान लेगा, ठीक, बिल्कुल ठीक। ये कोर्ट मानेगा कि उसका मर्डर हुआ है, उसका खून हुआ है, ये मानेगा कोर्ट। अब हम रिबटेबल और इररिबटेबल के बारे में बात करते हैं, ठीक। रिबटेबल और इररिबटेबल के बारे में बात करते हैं। तो रिबटेबल क्या होता है, व्हाट इज रिबटेबल? रिबटेबल यानी जिसको आप रिब्यूट कर सको, जिसको आप रिबट कर सको, जिसके बारे में आप कह सको कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, मैं था वहां पे, मेरे पास गवाह है इस चीज के लिए, मेरे पास सबूत है इस चीज के लिए, जिसको आप डिस्प्रूव कर सको। इररिबटेबल क्या होता है, जिसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, जो कि कंक्लूसिवली प्रूव हो गया है। अब इसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई और एविडेंस नहीं लिया जाएगा, अब इस चीज के खिलाफ किसी भी और तरह का एविडेंस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये बात कोर्ट ने मान लिया कि यही हुआ है, यही होगा, ठीक। फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा कैसे होते हैं, रिबटेबल होते हैं, यानी हमेशा इनको रिबट किया जा सकता है कि ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, इनको हमेशा ही रिबट किया जाता है, यानी इनके खिलाफ हमेशा ही प्रूफ दिए जा सकते हैं, इसके खिलाफ आप हमेशा ही एविडेंस दे सकते हो, ठीक। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दो तरह का होता है, एक होता है रिबटेबल और एक होता है इररिबटेबल। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में कोर्ट ये मान के चलता है ऐसा हुआ है, डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट का, कोर्ट के ऊपर बंदिश है, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। अब आप प्रूफ करो कि नहीं हुआ है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, आप प्रूफ करो कि नहीं हुआ है। और इररिबटेबल यानी, इररिबटेबल का मतलब होता है कि कंक्लूसिवली प्रूव हो चुका है कि यही हुआ होगा, अब तुम तो चाहे कुछ भी बोल दो हम नहीं मानेंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात प्रूफ कर दी गई है, अगर ये बात प्रूफ कर दी गई है कि जो बच्चा है वो शादी के इतने दिनों के अंदर हुआ है, तो ऐसे में कोर्ट ये मानेगा कि जो बच्चा है वो लेजिटिमेट बच्चा ही होगा, कोर्ट इस चीज को कंक्लूसिवली मान लेगा कि लेजिटिमेट बच्चा ही होगा, ठीक। यहां देखो, शैल प्रज्यूम, मे प्रज्यूम तो हमेशा ही रिबटेबल होता है, इस चीज का ध्यान रखो। शैल प्रज्यूम क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज रिबटेबल, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज रिबटेबल, दीज आर ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी होते हैं। यहां पे कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो इस प्रिजम्पशन को माने या नहीं माने, यहां पे कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, दैट इज द कोर्ट हैज नो ऑप्शन इन द मैटर एंड इज बाउंड टू टेक द फैक्ट एज प्रूव्ड, अनलेस द पार्टी इंटरेस्टेड इन डिसप्रूविंग प्रोड्यूसेस सफिशियंट एविडेंस फॉर दैट पर्पस। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को रिबट करने के लिए बहुत अच्छे एविडेंसेस ही लेकर आने पड़ेंगे, सरकमस्टांशियल एविडेंस या फिर किसी की इनडायरेक्ट, किसी तरह का इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं सुनने में, नहीं कोर्ट मानेगा, हियर से एविडेंस कोर्ट नहीं मानेगा, आपको बहुत अच्छे एविडेंस लेके आने पड़ेंगे, तभी इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता, ठीक। एग्जाम्पल्स ये सारे सेक्शन में दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। मे प्रिज्यूम क्या है, कंडीशन जहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट देखेगा, कोर्ट को लगता है कि इस चीज को मान लेना चाहिए एज अ प्रिजम्पशन, तो वो मान लेगा, नहीं मानना है तो नहीं मानेगा, कोर्ट के पास क्या है, डिस्क्रिशन है, कोर्ट के पास चॉइस है, ठीक। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। अब आ जाओ कंक्लूसिव प्रूफ पे, ये क्या होते हैं, ये भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, लेकिन ये इररिबटेबल है, यानी इनको रिबट नहीं किया जा सकता, इनके खिलाफ प्रूफ नहीं दिए जा सकते। देखो जरा क्या रिबट करना यानी, किसी चीज को डिसप्रूव करना, रिबट करना यानी किसी चीज को डिसप्रूव करना। मैं कहती हूँ तुम चोर हो, तुम कहते हो नहीं मैं नहीं हूं, ये क्या है, रिबट कर रहे हो मुझे, ठीक है, यानी मैं कुछ कह रही हूँ और आप इस चीज के अगेंस्ट बात कर रहे हो। तो ऐसे एविडेंस जिनके खिलाफ अगेंस्ट में कोई भी बात सुनी ही नहीं जाएगी, वो होते हैं कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जनरल डेफिनेशन क्या है कंक्लूसिव प्रूफ की, जो सेक्शन 4 में दी हुई है, कि कंडीशन व्हेन वन फैक्ट इज एस्टैब्लिश, जहां पे हम एक फैक्ट को एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि हाँ ये हुआ है, वहां पे द अदर फैक्ट और कंडीशन बिकम कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, यानी शादी के इतने दिनों में बच्चा हुआ था, अगर हम ये प्रूफ कर दें तो फिर ये बात अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी कि बच्चा लेजिटिमेट है, ये बात अपने आप ही प्रूव हो जाएगी कि बच्चा लेजिटिमेट है। तो जब आप एक फैक्ट को प्रूफ कर देते हो, तब दूसरा फैक्ट भी प्रूव हो जाए, और कैसे प्रूव हो, कि उसके खिलाफ कोई और एविडेंस लिया ही ना जाए, ऐसे केस में, इन सच अ केस, इस केस में इसे क्या माना जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, ठीक।
है, एज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट एंड इन कंसिडरेशन शैल रिगार्ड टू ऑल द फैक्ट्स विच टू बी प्रूव्ड ओनली इफ वन फैक्ट ऑफ द केस इज प्रूवन विदाउट एनी रीजनेबल डाउट, बिना किसी रीजनेबल डाउट के अगर प्रूफ किया है तो ही ये माना जाएगा। फैक्ट प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम नेचुरल प्रिजम्पशन। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को हम हमेशा नेचुरल प्रिजम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल प्रिजम्पशन, इसको लिखो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेचुरल प्रिजम्पशन क्या होता है? हाँ, 280 days 102 के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। नेचुरल प्रिजम्पशन क्या होता है? नेचुरल प्रिजम्पशन इज बेसिकली ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर जो प्रिजम्पशन रहते हैं। तो सोसाइटी एज अ ऑल होल क्या थिंक करती है, लोग का बिहेवियर कैसा होता है, इसके बाद इसने ये तो जरूर किया होगा, चोरी हुई है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सामान छुपाया होगा, राइट? किसी पर्सन के पास से कोई सामान मिला है, कोई चोरी का सामान मिला है, तो हो सकता है कि ये यही हो चोर, या फिर इसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करी हो, ऐसा हो सकता है ना? किसी पर्सन के पास खून से लथपथ कपड़े मिले हैं, तो ये प्रिजम्पशन किया जा सकता है कि इसका किसी ना किसी तरह के जुर्म में हाथ रहा होगा, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये सारे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये सारे ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर बेस्ड रहते हैं कि इंसान कैसी सिचुएशन में क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में उसने क्या किया होगा, ये सारी चीजें प्रिज्यूम करने का अधिकार इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट को देता है। इसीलिए इसे हम नेचुरल प्रिजम्पशन कहते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को हम क्या कहते हैं? नेचुरल प्रिजम्पशन। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन कंडक्ट के बेसिस पे होता है। सिमिलरली प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। क्यों? क्योंकि ये लॉ का प्रिजम्पशन है, ये नेचुरली अकरेंस में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ये हुआ तो ये तो हुआ होगा, ये हमें कोर्ट के, ये हमें लॉ कह रहा है प्रिज्यूम करने के लिए, इसलिए हमें करना पड़ रहा है, इसीलिए इसे हम आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन कहते हैं। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? बताओ सर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक। देखो देवी का अपने आप से अच्छा एग्जाम्पल दे रही है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रही है। वो कह रही है एनीथिंग डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स, अगर किसी बच्चे ने 7 साल के अंदर भी कुछ किया है तो भी माना जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया है। ये क्या है? ये कंक्लूसिव प्रूफ है, राइट? ये क्या है? ये कंक्लूसिव प्रूफ है, बिल्कुल ठीक। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया? तो प्रिजम्पशन कितने तरह के देखे हमने? 3 तरह के देखे। एक था प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जो कि किस बारे में बात कर रहा है? ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, कि इंसान इसके बाद तो यही करता है, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा। बीवी से झगड़ा होने के बाद अगर बीवी की लाश पड़ी मिली है तो जरूर झगड़े के बाद पति ने ही मारा होगा। ये सब क्या है? ये सब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। ठीक, इसके बाद क्या आता है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होगा? कि जो लॉ हमें कह रहा है प्रिज्यूम करने के लिए, हमें वो प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। ये किस तरह? ये 2 तरह का हो सकता है। तो एक होता है रिबटेबल, जहां पे इस चीज को डिस्प्रूव किया जा सकता है। एक होता है इररिबटेबल। तो जो इररिबटेबल होता है उसे हम कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ, कि अब बात हो गई, अब इसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं लिया जाएगा, किसी भी और तरीके का कोई प्रूफ नहीं लिया जाएगा, अब तो हो गया, अब तो मान लिया। ठीक, हाँ। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, और एक मिक्स प्रिजम्पशन होता है विच इंक्लूड्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दोनों ही। ठीक, हाँ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को हम प्रिजम्पशन ह्यूमननेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन कंडक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं को हम मटीरियल या नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहते हैं। किसको कह रहे हैं हम? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे याद कर लेना। इसके बाद आता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को प्रिजम्पशन जूरिस कहा जाता है। जैसे उसको नेचुरल प्रिजम्पशन कहा जा रहा था ना, ह्यूमनिस कहा जा रहा था, वैसे ही प्रिजम्पशन इन लॉ को क्या कहा जाता है? प्रिजम्पशन जूरिस। ठीक, इसमें क्या कहा जाता है? कि जो चीजें एस्टैब्लिश हो गई है, अज्यूम हो गई है, वो लॉ खुद अज्यूम कर लेगा। जो चीजें एस्टैब्लिश है वो लॉ खुद अज्यूम कर लेगा, लेकिन ये रिबटेबल होते हैं, इनको डिस्प्रूव किया जा सकता है। इसी को आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन भी कहा जाता है। ये सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, रिबटेबल प्रिजम्पशन आर सर्टेन प्रिजम्पशन जिनको कोर्ट गुड क्वालिटी मानता है, जिनको ये मानता है कि ये चीज अगर बात रखी गई है तो ये होगी। अब आप प्रूफ करो कि ये चीज नहीं है, ठीक है, यानी इनकी एविडेंशरी वैल्यू अच्छी होगी। ठीक,
इररिबिटेबल प्रिजम्पशन क्या होंगे? वो प्रिजम्पशन जिनको रूल आउट नहीं किया जा सकता एडिशनल या प्रोबेटिव एविडेंस से, यानी इनके खिलाफ एविडेंस देने ही नहीं दिया जाएगा, सुना ही नहीं जाएगा। तुम बोलते रहोगे कोर्ट में और कोर्ट उसको रिकॉर्ड पे नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ये कंक्लूसिवली प्रूव हो चुके हैं, कोर्ट मानेगा कि कंक्लूसिव प्रूव हो चुका है, इसलिए उसके बारे में बात मानेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक विजय जी, बिल्कुल ठीक। तो सेक्शन 4 तक सबको समझ लिया, अब सेक्शन 5 पे आते हैं, जो कि हमें किस बारे में बताता है, रेलिवेंसी ऑफ एक्ट्स के बारे में, कौन सी चीजें रेलिवेंट होंगी, कौन सी चीजें इररेलीवेंट होंगी, कौन बताता है हमें। सेक्शन 5 से लेके 55 तक बात करता है यहाँ पे। सेक्शन 5 देखो क्या कह रहा है, 5 बताता है कि किस चीज का एविडेंस दिया जाएगा, फैक्टर इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, और ये क्या बता रहा है हमें कि जब अगर एक प्रोसीडिंग चल रही है तो कौन से फैक्ट्स को आप कोर्ट में रख सकते हो और कौन से फैक्ट को आप कोर्ट में नहीं रखोगे। ठीक है, तो 5 हमें क्या बता रहा है, 5 हमें ये बता रहा है कि आगे आने वाले सेक्शंस के हिसाब से देख लो कि कौन सा फैक्ट रखा जा सकता है कोर्ट में और कौन सा नहीं रखा जा सकता, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें सेक्शन 5 देता है। ठीक, इसके बाद देखो इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है जो ये कह रहा है कि जहां पे एक पर्सन को अलाउ नहीं है एविडेंस देने का, वहां पे उस पर्सन से एविडेंस हम नहीं लेंगे। अगर किसी पर्सन को अलाउड नहीं है एविडेंस देने के लिए देने का, तो उस पर्सन से हम किसी भी तरह का एविडेंस नहीं लेंगे। जैसे हस्बैंड और वाइफ के केस में होता है, हस्बैंड और वाइफ को एक ही माना जाता है इन द आईज ऑफ लॉ, और इसीलिए हस्बैंड वाइफ के खिलाफ टेस्टिमनी नहीं देगा, वाइफ हस्बैंड के खिलाफ टेस्टिमनी नहीं देगी, ऐसा माना जाएगा। ठीक, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट पे, अब आते हैं हम सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 को प्यार से क्या कहा जाता है, रेस जेस्टे, रेस जेस्टे ये वाला नाम आपने सुना ही होगा। सेक्शन 6 आए और रेस जेस्टे नहीं अगर क्लिक कर रहा है तो मतलब तुमने एविडेंस ठीक से नहीं पढ़ा है। रेस जेस्टे बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, यूपी के पेपर उठा के देखो हर साल एक सवाल आता है रेस जेस्टे पे, एवरी सिंगल ईयर देर इज अ क्वेश्चन ऑन रेस जेस्टे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रेस जेस्टे है क्या? सेक्शन 6 हमें इजी भाषा में समझाता है, हमें रेस जेस्टे और लैटिन और इस सब में नहीं जाना है, वो हमें इजीली चीज बता रहा है, और वो हमें बता रहा है फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ऐसी चीजें जो सेम ही ट्रांजैक्शन में हुई है वो क्या है, वो फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब देखो ये कौन से फैक्ट्स हैं, ये वो फैक्ट है जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, यानी मुद्दा ये नहीं है, फैक्ट में मुद्दा ये नहीं है ये, लेकिन उनसे रिलेटेड चीजें हैं जिनको हम कोर्ट में बताएंगे। ठीक, सो कनेक्टेड विद द फैक्ट एंड इशू एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेसेस, भले ही एक ही जगह पे हुए हो या अलग अलग जगह पे हुए हो, तो भी इन्हें क्या माना जाएगा, तो भी यही माना जाएगा कि ये सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं। इसके ऊपर बहुत बहुत अच्छे अच्छे केस लॉस है, इसके ऊपर तो ये सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसमें बहुत अच्छे केस लॉस है। तो आप लोगों ने इसका इसके ऊपर जो, अच्छा इससे पहले कि हम केस लॉ में जाए थोड़ी और चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए के ऊपर इल्जाम क्या लगा है कि उसने बी का खून किया है, और कैसे खून किया, उसको पीट पीट के मार डाला है उस इंसान को। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए, ए ने ए बी से जो भी कहा, जो भी किया, सेड और डन, जो भी कहा जो भी किया, और जो बाय स्टैंडर्स ने देखा, पिटते हुए देखा, गाली गलौज होते हुए देखा, शॉर्टली आफ्टर और बिफोर, ए बिल्कुल तान के अपनी स्लीव्स बिल्कुल जा रहा है कि आज तो देखो बी को पीट कराऊंगा, जा रहा है, इतने में उसको लोग मिल जाते, बोलते कहाँ जा रहे हो, बोलते आज तो देखो बी की धुनाई करके आता हूं, इतना पीटूंगा कि नानी याद आ जाएगी। ये स्टेटमेंट जो ए ने दिया रास्ते में जाते हुए, वो स्टेटमेंट क्या है, रेस जेस्टे है, दिस स्टेटमेंट इज रेस जेस्टे, यानी सेम चीज का ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, रेस जेस्टे है। हाँ ठीक, इसके बाद ये जो प्रिंसिपल है इसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे कहते हैं, ये सबको पता है। रेस जेस्टे का मीनिंग क्या है, अगर रेस जेस्टे का सीधा सिंपल मीनिंग देखना है तो वो सेम ट्रांजैक्शन नहीं होता,
इस चीज को, इस भ्रम को हटा दो कि रेस जेस्टे का मतलब सेम ट्रांजैक्शन ही होता है, नहीं होता। ठीक, रेस जेस्टे का क्या मतलब होता है? थिंग्स डन, इसको लिखो, इसको याद करो। ये सवाल पूछा जाता है कि रेस जेस्टे का मतलब क्या है, एक ऑप्शन में तुमको दिख जाएगा सेम ट्रांजैक्शन और तुरंत टिक करके आ जाओगे कि सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन नहीं होता उसका मीनिंग। मीनिंग होता है थिंग्स डन, जो चीज करी गई है वो सेम ट्रांजैक्शन। ठीक, सेम ट्रांजैक्शन में हुई चीजें, थिंग्स डन। रेस जेस्टे का मतलब क्या हुआ? थिंग्स डन, बिल्कुल ठीक इब्रत। ठीक, तो रेस जेस्टे किस बिलीफ पे बेस्ड है? तो बिलीफ क्या है? कुछ स्टेटमेंट जो कि आप नेचुरली दे देते हो, स्पॉन्टेनियसली दे देते हो, बिना किसी सेकेंड थॉट के, राइट, बिना डेलिबरेशन के। कैसे? इन द कोर्स ऑफ इवेंट, ए बी को मार रहा है और मारते मारते कह रहा है कि तूने मेरी बीवी को छेड़ा, अब तो तू रुक, मैं तुझे ऐसा मारूंगा, ऐसा पीटूंगा कि तुझे देख लूंगा। ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये रेलेवेंट है? मार पीट हुई, ये तो रेलेवेंट है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है, दिस इज रेलेवेंट। इस स्टेटमेंट को कोर्ट में सुना भी जाएगा और माना भी जाएगा, राइट, दोनों चीजें करी जाएंगी। ठीक, अगर ऐसा स्पॉन्टेनियसली आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया है, इफ यू हैव गिवन एनी स्टेटमेंट इतना स्पॉन्टेनियसली, तो जाहिर सी बात है कि आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा विचारा नहीं होगा, यानी इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि ये झूठ होगा, राइट, इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि ये झूठ होगा। तो ये क्या है? ये रेस जेस्टे में आ जाएगा। सच स्टेटमेंट इज अ रेलेवेंट फैक्टर, और ये रेस जेस्टे में आ जाएगा। ठीक, सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, देखो इस केस में क्या हुआ। रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ विटनेस ड्यूरिंग द सेम टाइम एंड सेम प्लेस वेयर द ऑफेंस वॉज कमिटेड, इट हैज बीन हेल्ड दैट द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द हाउस व्हेन देयर मदर वॉज बीटन अप बाय द फादर बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट सेम ट्रांजेक्शन एंड देयर फोर फेल अंडर सेक्शन 6। सवाल ये था कि एक महिला का खून हुआ है, शक उसके पति पे है कि शायद पति ने खून किया है, कोई किसी भी तरह का हमारे पास विटनेस नहीं है, आई विटनेस नहीं है, हमको नहीं पता खून किसने किया है। पड़ोसी लेकिन ये बता रहे हैं कि इस समय पे, जिस समय पे बताया जा रहा है कि उस महिला का खून हुआ है, उस समय पे बच्चों के रोने की बहुत आवाज आ रही थी, बहुत शोर हो रहा था उनके घर में और बच्चे बहुत रो रहे थे। क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है? बिल्कुल है। ये बच्चों की आवाजें सुनाई देना उस समय जब उस महिला का खून हो रहा था, क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है। केस समझ में आया? सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार समझ में आया, इंपॉर्टेंट केस है। इसके ऊपर बहुत सारे और केस लॉज हैं जिनको हम पढ़ेंगे। आर वर्सेस फॉस्टर, देखो कितना बढ़िया केस है ये। इस केस में देखो क्या होता है, हाँ इस केस में देखो क्या होता है। एक पर्सन है, ये पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है, एक सामने बहुत तेज स्पीड में ट्रक आ रहा है, बहुत तेज स्पीड में ट्रक आ रहा है। एक विटनेस है जो ये देख रहा है कि एक ट्रक बहुत तेज स्पीड में आ रहा है और ये पर्सन सामने से ही गुजर रहा है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, वैसे ही विटनेस के आंखों के सामने से गाड़ियां गुजरने लगती है, यानी उसने एक्सीडेंट खुद होते हुए देखा नहीं। उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि एक ट्रक आ रहा है और ये जो पर्सन है, जो विक्टिम है, ये रोड क्रॉस कर रहा है, ये भागते हुए उसके पास गया और उस पर्सन ने, जो अब मरने वाला है, उस पर्सन ने इशारा किया कि वो जा रहा है, उसने मुझे टक्कर मारी है। क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है। ट्रक आया, ट्रक ने भिड़ंत की, भिड़ंत करने के बाद पर्सन नीचे गिरा, उसने तुरंत बताया कि इसने किया। सब कुछ सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है, सभी कुछ एक साथ हुआ। क्या रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है। सिक्स पर एप्लीकेशन होगा, नाइन पर होगा। सिक्स टू नाइन मतलब सेक्शन 6 to 9 बोल रहे हो नैना? ये आया समझ में? आर वर्सेस फॉस्टर। आर वर्सेस बेडिंग फील्ड का केस थोड़ा अलग है। आर वर्सेस बेडिंग फील्ड के केस में देखो क्या हुआ। एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड अच्छे से रहते थे। कहाँ रहते थे? लिव इन में रहते थे। ठीक, एक दिन झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि बेडिंग फील्ड ने गला काट दिया लड़की का। बताओ, हम वैसे बहुत सारे केसेस ऐसे देखने वाले हैं जहां पे लड़कियों के गले कटे हैं। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट इज फुल ऑफ सच केसेस जहां पे लड़कियों के गले काटे गए, लड़कियों को मारा गया। तो इंडियन, यहाँ पे एक लड़की का गला काट दिया गया,
वो अपना गला पकड़ के भागी जैसे तैसे, और उसे रास्ते में उसकी एक आंट मिली। वो अपनी आंट को बताती है, देखो बेटिंग फील्ड ने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट इस लड़की ने दिया अपनी आंट को, क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है? तो इसके बारे में कोर्ट ने एक बहुत ही डिस्प्यूटेड जजमेंट दिया। इसके बारे में उन्होंने कहा, इसके बारे में, इस जजमेंट के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट नहीं है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 6 के अंदर ये स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है जो उन्होंने अपनी आंट को दिया। क्यों? क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन नहीं है, राइट? क्यों सेम ट्रांजैक्शन नहीं है? सेम ट्रांजैक्शन ये इसलिए नहीं है क्योंकि, क्यों सेम ट्रांजैक्शन नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मार पिटाई हुई कभी, और उस मार पिटाई के टाइप पे अगर इस लड़की की चीखें किसी ने सुनी होती तो वो सेम ट्रांजैक्शन होता। अब ये उस सिचुएशन से बाहर आ गई है और ये कहीं और जा रही है, तो ऐसे केस में, इन सच केस, इसे सेम ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, सेम ट्रांजैक्शन इसे नहीं माना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो आर वर्सेस फॉस्टर के केस में कहा कि स्टेटमेंट वॉज मेड आफ्टर द इंसिडेंट वॉज ओवर, मार पिटाई हो गई, दोनों लड़ ली, उसके बाद स्टेटमेंट दिया गया, एंड हेंस दिस इज नॉट रेलिवेंट। इसके ऊपर एक और बहुत अच्छा केस है रतन वर्सेस क्वीन का, क्या किसी को पता है? रतन वर्सेस क्वीन का केस किसी को पता है? बहुत अच्छा केस है। एक बार एक पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है, फोन पे एक महिला है और महिला बहुत घबराई हुई है, बहुत डरते डरते उसने कहा है कि उसकी शायद जान को खतरा है। वो अपना एड्रेस दे ही पाती है और ये बताने ही वाली होती है कि क्या हो रहा है, इतने में ही एक गनशॉट की आवाज आती है। एक गनशॉट की आवाज आती है किसे? उस टेलीफोन ऑपरेटर को। टेलीफोन ऑपरेटर वहां पे तुरंत पुलिस भेजता है। वहां पे जाके पुलिस जब देखती है तो पुलिस को दिखती है एक लाश, किसकी? उसी महिला की जिसने अभी फोन किया था। ऐसे में इन सच अ सिचुएशन, क्या उस टेलीफोन ऑपरेटर ने जो दूर बैठ के फोन पे जिसने ये गनशॉट की आवाज सुनी है, क्या इसे हम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मानेंगे? क्या इसे हम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मानेंगे? कोर्ट ने कहा बिल्कुल मानेंगे। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन एविडेंस एक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि भले ही एक ही जगह पे, एक प्लेस पे चीजें हुई हो या फिर दूसरी प्लेसेस पे हुई हो, यानी जरूरी नहीं है कि सारा का सारा चीज एक प्लेस पे हुआ हो, दूसरी प्लेस पे भी हो सकता है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कब हो, किसने सुना और कहां सुना, लेकिन क्या ये एक ही सीरीज का पार्ट था? तो कोर्ट ने कहा हाँ, एक ही सीरीज का पार्ट था। एक सीरीज का पार्ट है तो बिल्कुल रेसिस्ट है, कोर्ट ने माना उसको रेसिस्ट है। ये वाला रतन वर्सेस क्वीन का जो केस है, ये तो आगे आने वाले सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर फैक्ट्स इतने ही है, अगर फैक्ट्स इतने ही है तो आप मुझे बताना ये आगे और कैसे रेलिवेंट होगा। ठीक है? ठीक। इसके बाद सेक्शन 7 पे आते हैं। सेक्शन 7 तीन तरह के फैक्ट से डील करता है। किस तरह के? ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। ओकेजन का मतलब क्या? कि कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, आपको मौका कैसे मिला। तो इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा केस है। एक पर्सन है जिसने एक मेंटली अनस्टेबल लड़की के साथ रेप किया है। दिस गर्ल हैज बिकम प्रेग्नेंट। अब इस लड़की की प्रेगनेंसी छुपाने के लिए, खुद को इस सजा से बचाने के लिए कि इसने उस मेंटली अनस्टेबल लड़की का, लड़की के साथ इसने खुद रेप किया है, ये सब चीजों को छुपाने के लिए ये उसको मारने चला जाता है। मारने जाता है तो ये जो लड़की है ये तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, तो फिर ऐसे में तो वो जा नहीं सकता। तो फिर ये मौके का इंतजार करता है। किस मौके का? जब इसके दोनों पेरेंट्स, मम्मी पापा, घर पे कोई ना हो, उस मौके का इंतजार करता है। ये क्या है? ये है ओकेजन, मौका। किस मौके पे तुमने एंटर किया उस घर में, ये चीज रेलेवेंट है। घर पे कोई नहीं था जिस टाइम पे तुमने एंटर किया, तुम्हें पता था घर पे कोई नहीं है जिस टाइम एंटर हुए। क्या है ये? ओकेजन है, मौका है, ये रेलेवेंट फैक्ट है। बिल्कुल ठीक। आर वर्सेस रिचर्डसन, परफेक्ट। कॉज, कॉज यानी क्यों किया, क्या हुआ कि तुमने मर्डर किया, तो क्या क्या हुआ था जो मर्डर हुआ?
मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। ये फैक्ट लोगों को पता चल जाता कि लड़की प्रेग्नेंट है, और क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल है तो इसका मतलब वो कंसेंट तो दे नहीं सकती, यानी किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। लोगों ने उस लड़की को और रिचर्डसन को देखा है बार बार। ऐसे में ये चीज बाहर आना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि किसने किया होगा। ये क्या है? ये है कॉज इफेक्ट। इफेक्ट मतलब जो उसके बाद हुआ। खून हो गया लड़की का। खून के बाद जब रिचर्डसन घर से गया, तब क्योंकि बारिश का सीजन था तो रास्ते में पैरों के निशान मिले, एक अलग तरह के जूते के निशान मिले, जो कि टाउन में वैसे जूते कोई ज्यादा पहनता नहीं था। इन जूतों का नाप लिया गया और इन जूतों के साइज से ये पता चला कि वो जो बंदा था जो भागा वो रिचर्डसन था। ये क्या है? ये जो पैर की छाप मिली है वो क्या है? वो इफेक्ट है। वो क्या है? वो इफेक्ट है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सारी ही चीजें रेलेवेंट है। ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट फैक्ट। ये सारी ही चीजें क्या है? रेलेवेंट है। तो सेक्शन 7 हमें क्या बताता है? सेक्शन 7 हमें बताता है ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। नैना, आप सवाल पूछ रहे थे ना कि क्या सिर्फ सेक्शन 6 में ही सेम ट्रांजैक्शन की बात की गई है? सेम ट्रांजैक्शन यहां भी है बेटा। देखो 7 में ओकेजन बता रहा है, यानी कब मौका मिला तुम्हें ये खून करने का। इसके बाद खून करने का मौका, यानी सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट। कॉज, क्या वजह थी जो खून किया? सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट। इफेक्ट, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट। ठीक। आर वर्सेस बेडिंग फील्ड में, आर वर्सेस बेडिंग फील्ड अभी देखा ना आपने, ये रहा कि इसमें माना गया था कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है वो। ये माना गया कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं, क्यों? क्योंकि जो ऑफेंस हुआ वो तो हो गया खत्म, उसके बाद ये किसी और को मिली, तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना गया था। लेकिन दिस इज अ वेरी डिस्प्यूटेड केस। इस केस को अच्छा केस नहीं माना जाता, दिस इज अ वेरी डिस्प्यूटेड केस। ठीक, सेक्शन 7 हुआ क्लियर। ठीक, इलस्ट्रेशन पढ़ो। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। ए ने बी के घर चोरी की है। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विथ मनी। बी कैसे गया था? बी एक मेले में गया था और बहुत पैसा लेकर गया था। एंड दैट ही शोड और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू अ थर्ड पर्सन आर रेलेवेंट। ये चीज कि उसने ये बताया कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं बहुत सारा पैसा लेकर आया हूँ, मेले में बहुत चीजें खरीद के ले जाऊंगा। ये फैक्ट जो उसने बताया है ये रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक, ये क्या है? दिस इज रेलेवेंट। ठीक, वेदर ए मर्डर्ड बी। ए ने बी को मारा। मार्क्स ऑन द ग्राउंड, जो फर्श पे मार्क्स थे, प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर अ प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट। ये सारे ही फैक्ट क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। ये क्या है? ये है कॉज या ओकेजन। मौका क्या था? मौका था ये, कॉज था ये। आपने बताया बहुत पैसा लेके जा रहा हूं। अच्छा, बहुत पैसा है तेरे पास, ठीक है, आज तो तेरा पैसा हम ले लेते हैं। क्या ये मौका है? राइट ये क्या है? जो मार्क्स मिले हैं ग्राउंड पे, जो कि स्ट्रगल से प्रोड्यूस हुई है, यानी दो लोगों में भिड़ंत हुई होगी, दो लोगों में हाथापाई हुई होगी, जिसके बाद ये मार्क्स आए हैं। क्या है ये? ये है इफेक्ट। क्या है ये? ये इफेक्ट है। ठीक, इनको अपने बेरक्ट में जो इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 2 है, उनके आगे लिख लो। ये कॉज एंड ओकेजन के बारे में बात करता है, ये इफेक्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 8 पे आ जाओ। सेक्शन 8 देखो क्या कह रहा है। प्रिंसिपल फैक्ट मतलब फैक्ट इन इशू। प्रिंसिपल फैक्ट यानी फैक्ट इन इशू, जिनके बारे में मुद्दा चल रहा है, जिनके बारे में बात चल रही है। ठीक, सेक्शन 8 पे आओ। सेक्शन 8 आपको अब और फैक्ट्स के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 6 में हमें सिर्फ रेजिस्टेंस से बताया। सेक्शन 7 में हमें तीन चीजें बताई। क्या क्या बताया? कॉज, ओकेजन, इफेक्ट। ठीक, सेक्शन 8 अब हमें और ज्यादा चीजें बता रहे हैं। और ये क्या बता रहे हैं? हमें चार चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। चार चीजें, ठीक है, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, चार चीजें बता रहा है। मोटिव मतलब क्या? कि वजह क्या रही होगी? खून हुआ,
क्या वजह रही होगी कि खून हुआ? ये फैक्ट कि बी के नाम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी ए है। ए को पैसे की बहुत जरूरत भी थी, इसीलिए ए का बी का मर्डर करके सारे इंश्योरेंस के पैसे हथियाने का प्लान था। ये क्या है? ये मोटिव है। ठीक, प्रिपरेशन, तैयारी। मौत जहर से हुई थी। जहर की बोतल खरीदते हुए सी ने बी को देखा। बी को जहर की बोतल खरीदते हुए देखा गया था। ये क्या है? प्रिपरेशन दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? प्रिपरेशन दर्शा रहा है, राइट? इसके बाद प्रीवियस कंडक्ट, जस्ट बिफोर द मर्डर, जैसे ही मर्डर होने वाला था वैसे ही ये पाया गया कि ए जो है वो बी के लिए चाय बना रहा था, जिस चाय में उसने कुछ और भी मिलाया। क्या है ये? प्रीवियस कंडक्ट। ये क्या है? ये प्रीवियस कंडक्ट है। सबसीक्वेंट कंडक्ट, मर्डर, जैसे ही चाय पिला दी गई वैसे ही ए को पाया गया कि ए कुछ बॉटल, कोई शीशी किसी पेपर बैग में लपेट के फेंकते निकला, यानी उसे फेंकते हुए किसी ने देखा। ये क्या है? सबसीक्वेंट कंडक्ट, यानी जो कंडक्ट बाद में हुआ। तो क्या हुआ, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई? मोटिव यानी वजह, क्यों मारा गया। इसके बाद प्रिपरेशन, तैयारी कैसी की गई थी। बहुत सारे बैट लेके, बहुत हॉकी स्टिक्स लेके पीटर पीटने निकले थे। क्या है ये? प्रिपरेशन है। प्रीवियस कंडक्ट, सबसीक्वेंट कंडक्ट, ये सारी की सारी चीजें किसमें इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 8 में। अब कंडक्ट क्या होता है क्या कंडक्ट? क्या स्टेटमेंट, ओरल स्टेटमेंट कंडक्ट में आते हैं? सेक्शन मना कर देता है, नहीं आते। ओरल कंडक्ट में नहीं आते, ओरल स्टेटमेंट कंडक्ट में नहीं आते। देखो, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू एनी पार्टी, एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच अ सूट और प्रोसीडिंग, इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट एंड इशू देयर इन रेलेवेंट टू देयर टू, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट टू द प्रोसीडिंग इज रेलेवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वॉज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू। क्या कंडक्ट रेलिवेंट है? मोटिव रेलिवेंट है, प्रिपरेशन रेलिवेंट है, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट रेलिवेंट है, सारा कंडक्ट रेलिवेंट है? नहीं, जो कंडक्ट फैक्ट एंड इशू के लिए रेलिवेंट है सिर्फ वही कंडक्ट रेलिवेंट है, सारे कंडक्ट रेलिवेंट नहीं है। बी बहुत घबराया घबराया दिख रहा था, उसके सर पे पसीना छूट रहा था, क्या ये कंडक्ट रेलिवेंट है? नहीं, दिस इज नॉट रेलिवेंट। क्यों? क्योंकि दिस इज नेचुरल, हो सकता है गर्मी बहुत थी, हो सकता है ना, तो इसलिए हो सकता है डरा डरा दिख रहा हो सकता है उसने कोई हो सकता है उसे किसी ने किसी चीज के लिए धमकी दी हो, इसलिए डरा डरा दिख रहा है। तो कंडक्ट कौन सा रेलिवेंट है? कंडक्ट वो रेलिवेंट है जो फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर रहा हो, वो कंडक्ट रेलिवेंट है, सारे कंडक्ट रेलिवेंट नहीं है। इसी के ऊपर एक अच्छा केस है जो मैं बता रही थी ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत लड़कियों के गले कटे हैं। क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, अक्यूज कट द थ्रोट ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का गला काट दिया गया। शी टोल्ड अबाउट द अक्यूज नॉडिंग व्हाइल हिज नेम वाज कॉल्ड। तो जब उससे स्टेटमेंट ले रहे थे, जब विक्टिम का स्टेटमेंट ले रहे थे, उससे पूछा क्या इसने किया है, उसने इशारा किया हाँ, उसने इशारा किया। ये जो स्टेटमेंट था, ये जो चेहरा हिलाने का उसने एक्सरसाइज किया, क्या ये कंडक्ट में आएगा? कोर्ट ने कहा नहीं, नो, ये कंडक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है। दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट, कंडक्ट के अंदर रेलेवेंट है क्या? नहीं। ये कहां रेलेवेंट होगा? ये रेलेवेंट होगा विटनेस इज अनेबल टू स्पीक, जहां पे विटनेस बोल नहीं सकता बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जहां पे वो इशारों में बताए कि क्या हुआ था, वहां पे ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है, वो सेक्शन के अंदर दिस इज रेलेवेंट। पर क्या कंडक्ट में ये रेलेवेंट है? क्या ये कंडक्ट कहलाएगा? तो कंडक्ट में ये रेलेवेंट नहीं है, दिस इज नॉट रेलेवेंट इन कंडक्ट। बिल्कुल ठीक विशाल, परफेक्ट। आई ये चीज समझ में, कंडक्ट क्यों रेलेवेंट नहीं था यहां पे? कोई चीज इशारों में बोल के बताना इज नॉट अ कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आपका बिहेवियर जो पहले था और जो बाद में था, कंडक्ट के अंदर ये चीजें आती है, ये चीजें नहीं आती जो आप इशारों में बातें करके बताओ। बिल्कुल ठीक, 119, परफेक्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन 9 पे, जो बहुत सारी बातें कर रहा है।
देखो क्या क्या कह रहा है सेक्शन 9। सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द फैक्ट दैट मस्ट बी एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो नई बात बता रहा है या फिर किसी पुरानी बात को ही एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा कोई भी फैक्ट रेलेवेंट होगा। फैक्ट्स आर नेसेसरी, इट इज स्टेटेड वेयर फैक्ट्स आर नेसेसरी, व्हाट फैक्ट्स आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज फैक्ट इन द इशू एंड व्हाट आर रेलेवेंट फैक्ट्स। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एक्सप्लेन कर रहा है या रिलेवेंट कर, या तो एक्सप्लेन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, या फिर वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक सेकंड का मुझे ब्रेक दो, तब तक ये पढ़ो, मैं पानी पीती हूँ। ऑल राइट right. हाँ बिल्कुल, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, परफेक्ट, सबको आ गया अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक, कौन कौन से स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी चीजें इसमें रेलेवेंट है? सेक्शन 9 के अंदर बथेरी चीजें रेलेवेंट है। क्या क्या रेलेवेंट है देखो, फैक्ट्स मस्ट नेसेसरीली एक्सप्लेन द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, या तो फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कर दे या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन कर दे, तो वो फैक्ट को भी हम क्या कहेंगे, उन फैक्ट्स को भी हम कहेंगे कि वो फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक, फैक्ट मस्ट नेसेसरीली इंट्रोड्यूस द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, या तो एक्सप्लेन करे या तो इंट्रोड्यूस करे। ठीक, सपोर्ट या सपोर्टेड इंफरेंस और रिबट द फैक्ट, या तो किसी चीज के बारे में सपोर्टिव एविडेंस दे या तो उस चीज को रिबट कर दे। ठीक, घर से सामान मिला चोरी का, तो फिर ये क्या है, ये सपोर्ट करता है कि आप ही चोर थे, राइट? आपके घर से कुछ भी नहीं मिला चोरी का सामान, किसी ने आपको उस घर में जाते हुए भी नहीं देखा, किसी भी कोई आई विटनेस नहीं मिला आपके अगेंस्ट, क्या कर रहा है ये, रिबट कर रहा है, नहीं मान रहा है। मस्ट प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और एनी बडी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आता है हमारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जो रेलिवेंसी है वो कहां से आती है, इस फोर्थ पॉइंट से आती है। क्या बता रहे हैं, किसी चीज की पहचान, किसी चीज की पहचान या किसी व्यक्ति की पहचान अगर कर रहा हो कोई फैक्ट, तो वो फैक्ट क्या है, रेलिवेंट है। इसी के अंदर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आती है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, एक व्यक्ति ने खून होते हुए देखा लेकिन अंधेरा था, कुछ अरेस्ट किए गए, कुछ लोगों को शक के बिना पे अरेस्ट किया गया, उन लोगों में से किसने खून किया है, ये चीज पहचानने के लिए जब सबको एक लाइन में खड़ा किया जाएगा और उस विटनेस से पूछा जाएगा कि तुम बताओ तुमने देखा किसने, यहां पे किसने खून किया है, तुमने देखा, तो जब वो विटनेस हमें ये चीज बताएगा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस चीज का है, ये प्रोसेस है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया क्यों जाता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड उस विटनेस की मेमोरी चेक करने के लिए करवाया जाता है, उस विटनेस की मेमोरी चेक करने के लिए करवाया जाता है। जो विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, तो बताओ तुमने क्या देखा, पहले बताओ कि तुमने क्या देखा। अगर तुम कह रहे हो कि बहुत छोटा सा आदमी था, गोल सा था, मोटा सा था, हो सकता है उसने ही किया हो, ऐसे में अगर वो विटनेस किसी लंबे व्यक्ति को पहचानता है भीड़ में से, तो क्या वो विटनेस रिलायबल है, नहीं है, दैट विटनेस इज नॉट रिलायबल। व्हाई, वो इसीलिए रिलायबल नहीं है क्योंकि उसने कहा कुछ और उसने पहचाना किसी और को, इसीलिए उस विटनेस की टेस्टिमनी पे भरोसा किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराने का मोटिव क्या है, उस विटनेस की मेमोरी चेक करना। ठीक, बिल्कुल ठीक। लास्ट देखो, फैक्ट मस्ट नेसेसरली स्पेसिफाई द टाइम और प्लेस ऑफ द फैक्ट इन इशू। अगर किसी चीज के बारे में आपको यह पता चलता है कि किस समय पे या किस जगह पे हुआ होगा, तो ऐसे केस में यह माना जाता है कि वो फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट है। तो जो फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं, जो आपको बताते हैं कि मृत्यु का समय लगभग इस टाइम पे रहा होगा, ये फैक्ट क्या है, ये भी रेलिवेंट फैक्ट है, ये भी कोर्ट के उसमें चलता है, रिकॉर्ड में चलता है। कहां मृत्यु हुई होगी, एक इंसान को मार के कुएं में फेंक दिया गया, मर्डर कहां हुआ होगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट अगर प्रूव हो जाए कि मर्डर तो घर पे ही हुआ था, बॉडी लाके बाद में फेंकी गई है,
तो ये क्या है, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है, दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट फैक्ट। डॉक आइडेंटिफिकेशन परेड यानी डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का कह रहे हो, डॉक्टर कह रहे हो, डॉक मतलब क्या? अगर डॉक्यूमेंट कह रहे हो तो हाँ वो रेलेवेंट है, क्योंकि यहां पे हम आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग, किसी वस्तु की आइडेंटिटी के बारे में भी बात कर रहे हैं। सभी लोगों ने वो देखी है क्या, अभय देओल की एक अच्छी सी मूवी थी, नाम भूल रही हूं मैं, ओहो मैं बिल्कुल ही नाम भूल रही हूँ, मेरे को बिल्कुल मुंह पे रखा हुआ है लेकिन मैं नाम भूल रही हूँ। तो अभय देओल की एक बहुत अच्छी मूवी थी जिसमें उसे बहुत चोरी करता है, बहुत चोरी करता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो बहुत पुलिस ऐसे बिछा के रखती है सामान की, बताओ किसका क्या सामान है। तो लोग आते हैं, अरे ये तो देखो ये हमारा था, अरे देखो ये वाला, ये तो हमारा था, ये चीज तो हमारी थी। ये सब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, आप चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो ये क्या है, ये भी इसके अंदर रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट है। हाँ ठीक। इसके बाद द फैक्ट मस्ट ऑलवेज शो रिलेशन ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन कैसा था। अब रिलेशन का मतलब यहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं है, रिलेशन मतलब इन दोनों के आपसी संबंध कैसे थे वो है, यानी दोनों के बीच में सदियों से, इनकी पीढ़ियों के बीच में ही बहुत ज्यादा झगड़े चलते थे, दोनों पड़ोसी थे और सालों से दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे, ये रिलेशन ऑफ थिंग्स है। यानी दोनों पर्सन के बीच में रिलेशन कैसा था, उनके बीच के संबंध कैसे थे, आपसी व्यवहार कैसा था, ये रिलेशन ऑफ थिंग्स है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाली चीज नहीं है ये। ठीक हाँ, ओए लकी लकी ओए, बिल्कुल ठीक। ठीक है तो सेक्शन 9 समझ में आया। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के परेड के बारे में जल्दी जल्दी कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो क्या है ये, सेक्शन 9 से रिलेट करती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है टू अलाउ एन आई विटनेस टू द अकरेंस टू आइडेंटिफाई द अक्यूज बिफोर द मैजिस्ट्रेट। किसी आई विटनेस को आप मौका दे रहे हो कि मैजिस्ट्रेट के सामने पता बताओ इनमें से कौन था, मैजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, तुम बताओ इन लोगों में से कौन था, तुमने देखा है ना तो तुम बताओ कौन था। तो क्या कर रहे हो आप, आई विटनेस को मौका दे रहे हो। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट इज एब्सोल्यूटली रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, अगर आई विटनेसेस है तो ऐसा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होना ही चाहिए। द गोल ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज टू इवेल्युएट एन आई विटनेसेस रिकलेक्शन, आई विटनेसेस की मेमोरी देखने के लिए आप ये कर रहे हो कि उसको कितना याद है, उसे कितनी चीजें पता है, कितनी चीजें वो याद है, कितनी चीजें वो भूल गया है। एंड फॉर द प्रोसिक्यूशन टू डिटरमाइन हु कैन बी कॉल्ड एन आई विटनेस। इसके अलावा ये चीज कि प्रोसिक्यूशन किन लोगों को एज आई विटनेस खड़ा कर सकता है कोर्ट में, अगर कोई पर्सन पहचान ही नहीं पाए किसी को, चार लोग खड़े किए, चारों में से किसी एक को भी नहीं पहचान पाया, तो क्या वो आई विटनेस कहला सकता है, नहीं कहला सकता। क्या फिर ऐसे केस में, क्या ऐसे केस में उसको कहा जा सकता है कि वो पहचान, क्या ऐसे केस में उसे क्या ऐसे केस में उसे आई विटनेस की तरह खड़ा किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड विदाउट मैजिस्ट्रेट, यस, पर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जो एविडेंशरी वैल्यू है वो मैजिस्ट्रेट के सामने ही ज्यादा है। इसके अलावा करवा सकते हैं, पुलिस भी करवा सकती है, कोई भी पर्सन करा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू फिर नहीं रहेगी, एविडेंशरी वैल्यू उसकी कम हो जाती है। ठीक, आ गया समझ में ये वाली चीज। रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस देखो, इसमें कहा कि जहां पे विटनेसेस ऑलरेडी असेलेंट्स को जानते थे, जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों को ये पर्सनली जानते थे, फिर वहां पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की क्या जरूरत है। मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, विशाल पढ़ता है, विजयदीप पढ़ता है, प्रतीक पढ़ता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं मेरी क्लास में, मेरे सब, मैं सबको जानती हूँ, मैं सबको पहचानती हूँ, सब मेरी क्लास में रोज आते हैं, सबको मैं जानती हूँ। ऐसे में अगर ये लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं और कोर्ट मुझे बुलाता है विटनेस बन के, तो क्या मुझे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करना पड़ेगा, नहीं, क्यों, मैं तो ऑलरेडी जानती थी, मैं तो इन लोगों को ऑलरेडी शक्ल से पहचानती हूँ, इसलिए मुझे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने की जरूरत नहीं है। जहां पे मैं इनको पहचानती नहीं वहां पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मुझे करनी पड़ती, राइट, लेकिन यहाँ पे मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखो क्या हुआ इस केस में। ये कहा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट वॉज इनकम्बेंट अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू होल्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड।
एंड द फेलियर टू डू सो वॉज हेल्ड टू बी फेटल टू द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। जहां पे प्रोसिक्यूशन के पास मौका था, जहां पे उसके पास आई विटनेसेस थे, वहां पे प्रोसिक्यूशन को करवाना ही चाहिए था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुआ तो फिर बाद में जो प्रोसिक्यूशन है उसका केस अगर इस वजह से वीक होता है तो वो प्रोसिक्यूशन की गलती है। यहां पे गलती प्रोसिक्यूशन की है, उसके पास आई विटनेसेस थे, उसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाना ही चाहिए था। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सब्सटेंशियल है या कॉरोबरेटिव है? ये देखो यहां पे आएगा, ये वाला, ये जो है ना आर वर्सेस शाजी, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट कुड बी यूज फॉर कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है अपने आप में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन कोरोबोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। अगर आई विटनेस ने पहले ये कहा था कि जो असेलेंट थी यानी जिसने मारपीट करी वो एक महिला थी, और बाद में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में वो किसी पुरुष को पुरुष के ऊपर इशारा कर रहा है कि इसने मारा था, तो ऐसे में इस विटनेस का जो स्टेटमेंट है उसे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि पहले तो ये कहा था, अब ये कह रहा है, झूठ बोल रहा है, राइट? या फिर उसने बताया था कि एक महिला थी जो छोटे कद की थी और इस महिला ने मारा, ऐसे में अगर वो ऐसी ही किसी महिला को आइडेंटिफाई करता है, ये बताता है कि ऐसी ही महिला थी, यही दिख रही थी, ऐसे केस में ये चीज इस चीज को कोरोबोरेट करती है कि इसने जो पहले बताया था बाद में भी वो वही कह रहा है। इसीलिए ये क्या है, ये कोरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन में यूज करते हैं। दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। बिल्कुल ठीक, 145, 157, बिल्कुल ठीक। आया ये समझ में? सेक्शन 10 पे आ जाइए। देखो सेक्शन 10 क्या कह रहा है। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन। कौन कह रहा है ये बातें? सेक्शन 10 के अंदर जो स्टेटमेंट, जो एविडेंस दिए जा रहे हैं वो कौन दे रहा है? वो को कॉन्स्पिरेटर दे रहा है, ऐसा पर्सन दे रहा है जिसने कॉन्स्पिरेसी में साथ दिया था। ऐसा पर्सन कह रहा है जो कॉन्स्पिरेसी के दौरान कॉन्स्पिरेसी में साथ दे रहा था। इसी को हम थ्योरी ऑफ इंप्लाइड एजेंसी कहते हैं। यानी दो कॉन्स्पिरेटर यानी दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं और कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इसमें से एक जो कह रहा होगा उसको हम मानेंगे कि ये दूसरे का एजेंट होगा, और दूसरे को मानेंगे कि ये पहले का एजेंट होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के एजेंट है, ऐसा मान के इनका जो स्टेटमेंट है उसे रेलेवेंट किया जाएगा। ऐसे मान के इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट किया जाएगा, बिल्कुल ठीक। एस्टॉपल भी यहाँ पे लगेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कॉन्स्पिरेसी पे सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात करी है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट को हम इस मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर के केस में समझेंगे कि क्या है ये स्टेटमेंट। तो तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ नलिनी के केस में ये हेल्ड हुआ दैट Once it is shown that a person snapped out of conspiracy, यानी एक बार अगर conspiracy खत्म हो गई, या तो पूरी हो गई या तो विफल हो गई, या तो सफल हो गई या विफल हो गई, जो भी हो, लेकिन conspiracy खत्म हो गई है, या फिर ये पर्सन अब conspiracy का पार्ट नहीं रहा, यानी ये अब इस षड्यंत्र में साथ में नहीं था, एनी स्टेटमेंट मेड सब्सिक्वेंटली देयर टू कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट अदर कॉन्स्पिरेटर। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो बाद में लिया जाए वो स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट को नहीं माना जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट को उस कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला केस, मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, बहुत अच्छा केस है। इस केस के फैक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। देखो होता ये है कि एक पत्नी और एक पति है, पत्नी और पति की आपस में ना अच्छे से बनती नहीं है, पत्नी दुखी हो गई है। अब ऐसे केस में पत्नी को मिल जाता है वो, यानी थर्ड पार्टी, ठीक? थर्ड पार्टी के साथ पत्नी का लव अफेयर शुरू हो जाता है और दोनों सोचते हैं कि अब तो इस पर्सन को हटा ही दो, इसको दुनिया से हटा दो ताकि अब हम दोनों एक हो जाए। नाउ यहाँ पे पत्नी एंड ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो वो है, ये दोनों कॉन्स्पायर करते हैं। क्या कॉन्स्पायर करते हैं? वो ये कॉन्स्पायर करते हैं कि पति को कैसे हटाया जाए। अब ध्यान से सुनो, होता ये है कि पति को मार दिया जाता है। पति को जैसे ही मारा जाता है सबसे पहला शक किस पे जाता है? पत्नी पे जाता है। पत्नी को पुलिस अरेस्ट करती है और दो डंडे मारती है, और पत्नी सब उगल देती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब इसने किया था, मुझे तो ये आदमी मिल गया था, इसने मुझे कहा कि
इसको हटा देते हैं रास्ते से, इसके बाद जो जायदाद मिलेगी वो आधी आप रख लेना आधी मैं रख लूंगी, मैंने तो कुछ नहीं किया है, पत्नी सब बोल देती है। इन स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई थी जब ये स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट जब दिए गए तब ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये कॉन्स्पिरेसी खत्म हो चुकी थी। दोनों के बीच में ये जो पति को मारने का षड्यंत्र था ये षड्यंत्र खत्म हो चुका था, और इसके अलावा किसी भी और तरीके का एविडेंस था ही नहीं पुलिस के पास कि वो ये प्रूफ कर दे कि पत्नी भी मिली हुई थी। तो ऐसे केस में फिर क्या काम आए? काम आई वो चिट्ठियां जो इन दोनों ने एक्सचेंज की थी। टोटल मिला के 14 लव लेटर्स थे जो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुए थे, जिसमें इन दोनों ने चिट्ठियों में बात कही है कि पति को जहर दे देंगे, या फिर मैंने इस पर्सन से बात कर ली है, तुम जेवर लेकर आ जाना, इस पर्सन को दे देना, ये पर्सन तुम्हारे पति को उड़ा देगा। ये सारी बातें चिट्ठियों में कही गई। तो चिट्ठियों में कब कही गई होंगी? जब ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। एंड दैट इज वाई ये जो चिट्ठियां थी इन चिट्ठियों को सेक्शन 10 के अंदर रेलिवेंट माना गया। इन चिट्ठियों को माना गया कि ये रेलिवेंट है। जो स्टेटमेंट उस वाइफ ने दिया वो स्टेटमेंट को रेलिवेंट नहीं माना गया इस सेक्शन के अंदर, लेकिन इन चिट्ठियों को माना गया क्योंकि ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी रेलिवेंट मानी गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 याद करते ही सबसे पहली चीज क्या आती है मन में? प्ली ऑफ एलिवाई, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 11 पे अपने आप में अलग से मेंस का सवाल नहीं आता, लेकिन प्री का सवाल यही आता है, राइट? प्री का सवाल आता है, और प्री का सवाल आता क्या है? यही आता है कि प्ली ऑफ एलिवाई कहाँ दी गई है। बहुत इजी सवाल आता है। तो सेक्शन 11 क्या प्ली ऑफ एलिवाई के बारे में ही बात करता है? नहीं, प्ली ऑफ एलिबाई एक तरह का फैक्ट है जिसके बारे में सेक्शन 11 बात करता है, लेकिन ये और भी चीजों के बारे में बात करता है, सिर्फ प्री ऑफ एलिबाई के बारे में बात नहीं करता। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ वाइफ रेलिवेंट था लेकिन इस सेक्शन के अंदर नहीं था, कॉन्स्पिरेसी के अंदर रेलिवेंट नहीं था, समझे इसको? अब देखो प्ली ऑफ एल क्या सेक्शन 11 क्या कह रहा है? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, ऐसे फैक्ट जो कि पहले रेलिवेंट नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो या तो इतने इनकंसिस्टेंट है कि बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहे हैं, इसी में आ जाता है प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई एक तरह का फैक्ट है जो कि रेलिवेंट या इरेलिवेंट कर देता है चीजों को। अगर सवाल ये है कि जिस दिन खून हुआ उस दिन क्या तुम यहां थे, खून का चार्ज लगा है, मर्डर का चार्ज लग गया है एक पर्सन के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि इसने खून किया है, सारा मोटिव भी इसी के पास था, कॉज इफेक्ट ओकेजन सब कुछ इसके पास था, इसी ने खून किया होगा। अगर वो बस इतनी सी बात प्रूफ कर दे कि उस दिन तो वो शहर में ही नहीं था, अगर वो इतनी सी बात प्रूफ कर दे कि वो तो शहर में ही नहीं था, तो क्या उसके अगेंस्ट केस आगे चलाया जा सकता है? नहीं। लेकिन वो प्रूफ कैसे करेगा? तो देखो टिकट से करेगा। ठीक, एक टिकट होनी चाहिए उसके पास, लेकिन फिर टिकट खरीद के तो फिर कोई भी खून करता फिरेगा कि आज भोपाल से होशंगाबाद तक की टिकट देना और बीच में खून करके आ गया, ये तो लोग करते रहेंगे। तो ऐसे में उस जगह पे जहां आप थे, उस जगह पे आपको किसी ने देखा हो, आप किसी से मिले हो, वो पर्सन बताएगा कि हाँ ये पर्सन उस जगह पे था, वो बताएगा कि ये पर्सन वहां पे था, तब माना जाएगा कि ये जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये प्रूव हो रही है कि नहीं। अब ये दोनों पर्सन बहुत अच्छे दोस्त हुए तो इसका स्टेटमेंट भी माना जाएगा लेकिन उसकी एविडेंशरी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर रिलेशन ऑफ पर्सन जो हमने सेक्शन 9 में देखा ना, रिलेशन ऑफ पर्सन, तो रिलेशन ऑफ पर्सन अगर बहुत क्लोज है तो जाहिर सी बात है कि दोस्त अपने दोस्त को बचाएगा। तो ऐसे में इसका स्टेटमेंट पूरी तरह से खारिज नहीं कर दिया जाएगा लेकिन उसकी एविडेंशरी वैल्यू बहुत कम मानी जाएगी, उसको फिर कोरोबोरेट और कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए रखा जाएगा। ठीक, अब देखो प्ली ऑफ एलिबाई इज अ रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन 11। सेक्शन 11 में और भी तरह के फैक्ट्स हैं जिनको हम रेलिवेंट मानते हैं। अगर मान लो किसी पर्सन के मर्डर का चार्ज चल रहा है, मर्डर का केस चल रहा है, केस पूरा आगे बढ़ता जा रहा है, ये बात प्रूव होने वाली है कि खून किसने किया है, इतने में ही जिस पर्सन का खून हुआ था अगर वो पर्सन जिंदा साबित हो जाए तो फिर वो किस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा? वो माना जाएगा सेक्शन 11 के अंदर रेलिवेंट फैक्ट। दैट विल बी कंसिडर्ड अ रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अंदर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों बातें मैच नहीं करती। पर्सन के खून का केस चल रहा है और ये पर्सन तो जिंदा निकला, क्या है ये? इनकंसिस्टेंट फैक्ट है।
इसीलिए बता रही हूँ कि प्ली ऑफ एलिबाई इज जस्ट वन टाइप ऑफ फैक्ट जो कि सेक्शन 11 जिस बारे में बात करता है। सेक्शन 11 में और भी चीजें हैं जो कि प्रूफ की जा सकती हैं, बस आपको ये प्रूफ करना है कि ये इररिलेवेंट, ये इनकंसिस्टेंट है, यानी ये दोनों बातों का तुक ही नहीं बनता एक साथ। ठीक, दृश्य मूवी। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है बेसिकली, जहां पे आप ये प्रूफ करते हो कि मैं तो उस जगह पे था ही नहीं, जहां भी ये ऑफेंस हुआ वहां तो मैं था ही नहीं। ये क्या है, ये प्ली ऑफ एलिबाई है, जिसका एग्जाम्पल अभी श्रीनिवास दे रहे हैं कि दृश्य मूवी। बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हम तो उस टाइम पे थे ही नहीं, हम तो सत्संग देख रहे थे, सत्संग के बाद हम मूवी गए, मूवी के बाद हम वहां पे गए, उसके बाद नेक्स्ट डे हम घर पे आए। क्या है ये, प्ली ऑफ एलिबाई, हम तो थे ही नहीं। ये सेक्शन 12 पे आ जाओ। डैमेजेस, जहां पे डैमेजेस के लिए अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट है, कि डैमेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फैक्ट रेलेवेंट है, तो वो फैक्ट सेक्शन 12 में रेलेवेंट होगा। ए, मेरे घर रोज कचरा फेंक के चला जाता है, मैंने उसे बार बार मना किया कि भाई तू अपने घर का कचरा मेरे घर में मत फेंका कर, सामने गाड़ी आती है कचरे वाली उसको दिया कर, मेरे घर में कचरा मत फेंका कर, फिर भी ये रोज मेरे घर में कचरा फेंक रहा है। क्या ये बात रेलेवेंट है कि ये रोज मेरे घर कचरा फेंक रहा है, मेरे मना करने के बावजूद ये कर रहा है? क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है? बिल्कुल है। क्यों? इससे डैमेजेस पता चलेंगे, इससे पता चलेगा कितना कॉम्पनसेशन मुझे मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। अगर उसने आज ही कचरा फेंका है और मैं सीधे कोर्ट में आ गई कि ये मेरे घर पे कचरा फेंका है, तो क्या इससे मेरे डैमेजेस रिड्यूस होंगे? बिल्कुल होंगे। कोर्ट उसको कहेगा कि आपने मना करने की कोशिश की, नहीं किया, फाइन लगाएगा उस पर, लेकिन बिल्कुल छोटा मोटा। लेकिन अगर मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो ऐसा कर रहा है, फिर फाइन लगाएगा कोर्ट, बिल्कुल लगाएगा फाइन। कितना लगाएगा? बहुत सारा। तो जब भी कोई भी फैक्ट ऐसा है जहां पे आपको डैमेजेस पता चल रहे हैं, जब भी आपको ये पता चल रहा है कि डैमेज कितना मिलने वाला है, खर्चा कितना मिलने वाला है, कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, तो ये चीज किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में इस पर्सन के हाथ पैर टूट गए, ये अपने घर का सोल अर्निंग मेंबर था, इसके अलावा इसके घर में कोई नहीं कमाता है, इसके दो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और एक बीवी है जिसका इसको भरण पोषण करना है। ऐसे केस में क्या कॉम्पनसेशन का अमाउंट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि डैमेजेस को चेंज कर सकता है, डैमेजेस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वो सारे फैक्ट किसके अंदर रेलिवेंट है? सेक्शन 12 के अंदर रेलिवेंट है। ठीक, बिल्कुल। सेक्शन 13 में जाता हूँ। सेक्शन 13 किस बारे में बात करता है? कस्टम के बारे में बात करता है, कि जब भी कोई राइट और कस्टम है क्वेश्चन में, तो फिर कोई भी रेलिवेंट फैक्ट जो कि बताता है कि ये चीज तो हमारे यहाँ होती है, ये चीज तो हमारे यहाँ मानी जाती है, वो फैक्ट क्या रहेगा? वो फैक्ट रहेगा सेक्शन 13 में इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपिंडा रिलेशनशिप में शादी करना इज प्रोहिबिटेड, और आपको सजा भी मिल सकती है ना? सपिंडा में अगर शादी होती है तो सजा भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये बात प्रूफ कर दो कि आपके कस्टम में होती है, आपके कस्टम में सपिंडा में शादी होती है, तो फिर वो रेलिवेंट फैक्ट है। और वो किस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट है? 13 के अंदर। कस्टम जो होते हैं वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है। ठीक है, कस्टम इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। इसके अलावा सेक्शन 14 देखो, 14 में क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक दशा क्या थी, स्टेट ऑफ बॉडी, फिजिकली कैसा फील कर रहे थे, बॉडीली फीलिंग, ये आती है सेक्शन 14 में। यानी आप क्या सोच रहे थे, आप कैसा फील कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, ये सारी ही चीजें किसके अंदर आएंगी? सेक्शन 14 के अंदर आएंगी। एक गवाह को बुलाया गया एक केस में, इस गवाह से जैसे ही सवाल पूछे लगे, वैसे ही ये हकलाने लगा, वैसे ही ये उल जलूल बातें करने लगा, उसके सर पे पसीना आने लगा, वो बहुत घबरा गया। क्या ये रेलेवेंट फैक्ट है? बिल्कुल है, बिल्कुल रेलेवेंट है। किस सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 14 के अंदर रेलेवेंट है। किसके अंदर रेलेवेंट है? 14 के अंदर रेलेवेंट है। बिल्कुल रेलेवेंट है ये श्रीनिवास, बिल्कुल रेलेवेंट है। ठीक, सेक्शन 15 पे ये बात कि कोई चीज एक्ट थी,
एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, ये चीज फैक्ट, ये रेलिवेंट फैक्ट है या नहीं, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस है। केस का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिस अ वेरी नाइस केस। तो केस में देखो होता क्या है, हाँ फ्रॉड ये सारी चीजें सेक्शन 14 में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक। केस में होता क्या है कि दो मियाँ बीवी रहते हैं, ये मियाँ बीवी करते क्या है, ये बच्चों को फॉस्टर करते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, टॉडलर्स जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, टॉडलर्स भी नहीं, जो इन्फेंट होते हैं, जो कि चल फिर भी नहीं सकते, इन बच्चों को ये लोग फॉस्टर करते थे। ये लोगों के एक बच्चे का इनसे, एक बच्चे का खुद का इन पे इल्जाम लगा कि जैसे ही बच्चा इनको दिया गया, 2 दिन के अंदर अंदर बच्चा मृत पाया गया, तो इनके ऊपर केस चला। जब केस प्रोसीडिंग चल रही थी, तब ये पता चला कि इससे पहले भी जो बच्चे इनके पास दिए गए थे फॉस्टरिंग के लिए, उन बच्चों की डेथ बहुत जल्दी हुई, इन्हीं के पास हुई और बहुत जल्दी हुई। और जब इंक्वायरी और आगे बढ़ी, इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी, तब ये भी पता चला कि इनका जो पुराना घर था, उन पुराने घर के गार्डन में 16 बच्चों के कार्कसिस थे, 16 बच्चों के स्केलेटन मिले थे, छोटे बच्चों के स्केलेटन। तो ये चीज कि ये एक्सीडेंट था कि बच्चा गिर के मर गया, ये एक्सीडेंट था या इंटेंशनल था, ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार कोई इंसिडेंस होता है, एक बार गिर गया, दो बार गिर गया, बच्चे, दो बच्चों की डेथ हो गई, 16 बच्चों की डेथ जब पता चली, तो माना गया कि ये इंटेंशनल था, ये इंटेंशनल था। हाँ, आर वर्सेस मोर्टिमर, बिल्कुल ठीक। फिर देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16। कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जो चीजें करते हो, वो चीजें किस में आती है, रेलेवेंसी में आती है, सेक्शन 16 में। ए बी के पास गया दुकान पे, दो दुकान पे उसने कुछ सामान खरीदा, सामान के सामान में ही उसने क्या खरीदा, जहर की डिब्बी भी खरीदी। ये चीज कि उसने क्या क्या खरीदा, ये दुकानदार ने अपने रजिस्टर में नोट किया, जो कि वो हमेशा करता ही था। ये जो लिस्ट है दुकानदार की, क्या ये कोर्ट में पेश की जा सकती है कि इसने जहर खरीदा था और इसी जहर से मौत हुई है? बिल्कुल प्रूफ करी जा सकती है। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 16 के अंडर, कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक। हाँ, इसके बाद 17 पे आओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एडमिशन इज डिफाइंड। अब हम आ गए हैं एडमिशन और कन्फेशन पे। एडमिशन देखो क्या होता है, एडमिशन एक वो स्टेटमेंट है जो कि पर्सन अपने ही अगेंस्ट देता है। अब देखो जरा समझने की बात यह है कि अगर मुझसे ही मेरे लिए, अगर आप मेरे लिए एविडेंस मांग रहे हो, मुझसे ही बोल रहे हो कि अपने अपने खिलाफ, अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैं तो आपको सारी अच्छी बातें बताऊंगी। मैं तो आपको बताऊंगी कि एविडेंस की मुझसे अच्छी टीचर नहीं है कोई, मैं तो सारी अपनी ही तारीफ करूंगी ना। मैं क्यों ये कहूंगी कि मुझे ये दिया था, मुझे वो दिया था, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, राइट। लेकिन अगर मैंने कभी किसी को ये बताया है कि मुझे ये नहीं आता या मुझे वो नहीं आता, तो फिर जाहिर सी बात है कि सही बताया होगा। अपने बारे में ऐसा क्यों झूठ बोलूंगी कि मैं, कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, है ना? यानी जब भी आप अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, वेन एवर यू आर गिविंग अ स्टेटमेंट अगेंस्ट योर सेल्फ, जब आप अपने ही अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हो, तो कोर्ट इस बात को मानता है कि वो स्टेटमेंट में सच्चाई होगी। तभी एक पर्सन अपने खिलाफ एविडेंस देता है, तभी एक पर्सन अपने खिलाफ स्टेटमेंट देता है, वरना जनरली कभी भी एक पर्सन खुद के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं देता, राइट। तो ये क्या है, ये है सेक्शन 17, एडमिशन, ठीक। देखो, एडमिशन इज डिफाइंड एज एनी स्टेटमेंट मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन विच सजेस्ट एनी इंफरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। एविडेंस कैन बी ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। केस चल रहा है कि ए ने बी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। ए ये बात किसी को बताता है कि हाँ यार, वो गलती ना मुझसे ही हो गई थी और ऐसा हो गया था। क्या ये जो स्टेटमेंट ए ने दिया है, ये स्टेटमेंट प्रूफ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एज एडमिशन, एडमिशन की तरह इसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक, बिल्कुल ठीक। सेल्फ सर्विंग है तभी रेलिवेंट है। अगर अगर स्टेटमेंट ऐसा है जो कि आपको ही सर्व कर रहा है, सेल्फ सर्विंग है, तभी माना जाएगा कि रेलिवेंट है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं माना जाता इसे, ठीक। अब आ जाओ सेक्शन 21 पे। 21 क्या बताता है? प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड और ऑन देयर बिहाफ। स्टेटमेंट जो एविडेंस के अंदर दिए जाएंगे, वो स्टेटमेंट आप अपने ही अगेंस्ट देते हो। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड और ऑन बिहाफ और देयर बिहाफ।
यानी ऐसे स्टेटमेंट जो आपने दिए हैं उन स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ प्रूफ कर सकते हो, अगर आप ये बता सकते हो कि वो जो स्टेटमेंट आपने दिया था वो ठीक टाइम पे नहीं दिया था, या फिर वो आपने किसी स्पेसिफिक मेंटल कंडीशन के अंदर दिया था, या फिर आपने कुछ और झूठ बोला था, तो आप उसको डिसप्रूव कर सकते हो। अदरवाइज एडमिशन हमेशा अपने अगेंस्ट ही दिया जाता है, एडमिशन हमेशा खुद के अगेंस्ट ही करा जाता है। लवली तुम ये सवाल पहले भी पूछ चुकी हो ना। ठीक, सेक्शन 23 देखो, सेक्शन 23 क्या कह रहा है। सेक्शन 23 ये कह रहा है कि एक्ट कवर्स एडमिशन इन सिविल केसेस। सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट होते हैं? नाउ इस चीज को याद कर लो कि एविडेंस में कि सिविल केसेस में एडमिशन हमेशा रेलेवेंट होते हैं। सिविल केसेस में एडमिशन हमेशा रेलेवेंट होते हैं। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 23, इसको कैसा होना चाहिए था? इसको होना ऐसा चाहिए था कि एविडेंस सिविल केसेस में कब रेलेवेंट नहीं होते हैं, सिविल केसेस में एडमिशन हमेशा रेलेवेंट होता है, कब नहीं होता है वो हमें ये सेक्शन बता रहा है। तो देखो जरा क्या कह रहा है। अगर आपने एक्सप्रेस कंडीशन लगा रखी है कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, मैं आपको जो बात बता रही हूं, आप मुझे ये वादा करो, आप मुझे ये लिख कर दो कि ये बात आप कभी भी कोर्ट में नहीं करोगे। अगर ऐसे में मैंने आपसे कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को एडमिशन की तरह नहीं लिया जाएगा। अगर एक्सप्रेस कंडीशन लगा के आपसे कोई बात करी गई है कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे, ये बात आप किसी और को नहीं पहुंचाओगे, तो ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा। दूसरा, अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द लिटिगेटिंग पार्टी अग्रीड टुगेदर दैट द एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। जहां पे कोर्ट ये इन्फर कर सकते हैं, या तो आपका एक्सप्रेस कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि आप दोनों ये बात नहीं बताओगे, जो बात आपस में हुई है वो बात आप नहीं करोगे, इसके अलावा अगर कोर्ट ये इन्फर कर सकती है किसी सर्कमस्टेंस में, कोर्ट अगर इस चीज का अंदाजा लगा सकती है किसी सर्कमस्टेंस में कि इन दोनों पार्टीज के बीच में किसी तरह का समझौता हुआ है और समझौते के अंदर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात नहीं बता सकते, तो ऐसे केस में कोर्ट उस एडमिशन को नहीं सुनेगा। तो सेक्शन 23 ये कह रहा है कि सिविल केसेस में कब रेलेवेंट होते हैं। मैं ये कह रही हूं कि सिविल केसेस में हमेशा रेलेवेंट होते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन ये दो हैं, बस ये दो एक्सेप्शन है, बाकी हर केस में रेलेवेंट होते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो सेक्शन 24 क्या है। सेक्शन 24, सेक्शन 24 से आ जाता है इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। सेक्शन 24 क्या बताता है? कन्फेशन के बारे में। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन भी एक तरह का एडमिशन होता है। कन्फेशन इज ऑल्सो लाइक एन एडमिशन, लेकिन यहां पे आप अपना गिल्ट मानते हो, आप और कुछ नहीं मान रहे हो, आप किसी और स्टेटमेंट के बारे में, आप किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे अपने गिल्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हो, उस स्टेटमेंट को हम कन्फेशन का स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक सेकेंड, श्वेता क्लास तो लंबी चलेगी आज, तुम लोग ये पढ़ो, मैं एक सेकेंड का वाटर ब्रेक ले रही हूं। सेक्शन 24 क्या है? इंग्रेडिएंट सेक्शन 24 के, ठीक है। सेक्शन 24 आपको क्या बताता है? क्या वो ये बताता है कि कन्फेशन क्या है? नहीं, सेक्शन 24 डज नॉट टॉक अबाउट कन्फेशन। वो ये नहीं बताता कि कन्फेशन है क्या, वो ये बताता है कि कन्फेशन अगर ऐसी सिचुएशन में दिया तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। किन सिचुएशन में? इंड्यूसमेंट यानी लालच। भाई बता दे, अगर तूने बता दिया तो तेरे को जेल से छुड़वा दूंगा, तेरे को तो बेगुनाह बाइज्जत बरी करवा दूंगा। क्या है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट, डराना, बता दे वरना तेरे बीवी बच्चों को घर से उठवा लेंगे। क्या है ये? थ्रेट, प्रॉमिस। तू बता दे, इसके बाद अगर तुझे जेल भी हो जाती है तो भी तेरे बीवी बच्चों का ध्यान हम रखेंगे, उनको सारा पैसा समय पे मिलेगा, उनकी फीस भी हम टाइम पे देंगे। ये क्या है? ये प्रॉमिस है। तो अगर कन्फेशन किसी लालच से लिया गया है, अगर किसी धमकी से लिया गया है, या फिर किसी प्रॉमिस के बदले लिया गया है, तो ऐसा कन्फेशन
कभी भी रेलेवेंट नहीं होगा, ऐसा कन्फेशन कभी रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन ये जो कन्फेशन है, ये जो इंड्यूसमेंट है, ये जो थ्रेट है, ये जो प्रॉमिस है, ये किससे रिलेटेड होना चाहिए? ये उस चार्ज से रिलेट होना चाहिए, जिस चीज का इल्जाम तुम पे लगाया गया है उस इल्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। ये ऐसा थ्रेट कि बता दे वरना तुझे पाप पड़ेगा, बता दे वरना तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा थ्रेट, ऐसी धमकी इज नॉट अ रेलिवेंट धमकी। अगर ऐसे थ्रेट के बाद, ऐसी धमकी के बाद कोई अगर इंसान बता रहे तो उसका स्टेटमेंट रेलिवेंट मान लेंगे, उसका कन्फेशन रेलिवेंट मान लेंगे। लेकिन थ्रेट कैसा होना चाहिए? थ्रेट होना चाहिए चार्ज से रिलेटेड। इंड्यूसमेंट कैसा होना चाहिए? चार्ज से रिलेटेड, यानी तेरी सजा कम करवा देंगे, तुझे जेल से बरी करवा लेंगे, तुझे बाइज्जत बरी करवा देंगे। ये क्या है? ये इंड्यूसमेंट है। किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड। प्रॉमिस करना कि तेरी सजा में कटौती करवा देंगे, तेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखेंगे, तू जेल भी चला गया तो भी ये कर देंगे वो कर देंगे, ये क्या है? प्रॉमिस करना हुआ। थैंक यू शिवानी मैम। ठीक है, ये समझ में आया? द इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस हैज टू बी सर्व्ड बाय एन अथॉरिटी। क्या कोई भी ऐरा गैरा ये डर लगा के चला जाएगा? कोई भी ऐरा गैरा ये कह देगा कि तू बता दे वरना तेरी सजा नहीं कम करवाएंगे, तू बता दे वरना तेरे भी बच्चों को उठवा लेंगे? क्या कोई भी ऐरा गैरा ऐसा कर सकता है? नहीं। कौन करेगा ये? अथॉरिटी, वो पर्सन जिसकी डायरेक्ट अथॉरिटी हो उस पर्सन पे। यानी जाहिर सी बात है, किसके बारे में बात करें? किसी मैजिस्ट्रेट की या फिर किसी पुलिस की, राइट? ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा कोई पर्सन जो कि डायरेक्ट अथॉरिटी में है उसके बारे में बात की जा रही है कि ये यहाँ पे, हाँ उसके बारे में बात की जा रही है कि अगर ये पर्सन ऐसी धमकियां दे, ये पर्सन अगर ऐसे लालच दे या फिर प्रॉमिस करे, तो फिर कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा। अगर कोई और कर रहा है तो बिल्कुल रेलिवेंट है, तो ये बिल्कुल रेलिवेंट है। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कोई क्राइम कर दिया है, मैं इसके पास जाती हूँ और मैं कहती हूँ देख भाई तू अपना जुर्म कबूल कर ले, छोटी मोटी सजा होगी अभी ठीक है, लेकिन बाद में अगर ये पता चलता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो तू अभी अपनी सजा, अभी ये जुर्म कबूल कर ले और तू ये सजा देके फ्री हो जा। ये क्या है? ये मैं कह रही हूँ। क्या मैं ही कोई पर्सन इन अथॉरिटी हूँ? नहीं। तो ऐसे में क्या ये जो कन्फेशन, जो वो इस मेरे ऐसा कहने के बाद अगर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, तो क्या ये जो कन्फेशन है, क्या ये कन्फेशन इररिलेवेंट मान लिया जाएगा? नहीं, ये कन्फेशन रेलेवेंट अभी भी है। ठीक, द इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस होल्ड्स आउट सम वर्ल्डली बेनिफिट और एडवांटेज। वर्ल्डली बेनिफिट और एडवांटेज, यानी अगर तूने कन्फेशन कर लिया तो तुझे 25 लाख रुपए दे देंगे। ये क्या है? ये वर्ल्डली बेनिफिट है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर कन्फेशन कर लिया तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तुमको जन्नत नसीब होगी, तुम स्वर्ग में जाओगे सीधे, तो ये क्या है? ये कोई वर्ल्डली बेनिफिट नहीं है। ऐसा ऐसा थ्रेट वगैरह, ऐसा प्रॉमिस, ऐसा इंड्यूसमेंट डज नॉट काउंट। ठीक है, सेक्शन 24 आपको ये बताते हैं। लेकिन अभी सुनो, सेक्शन 24 कन्फेशन क्या है ये तो अभी भी नहीं बता रहे। कोई नहीं बता रहा सेक्शन 20, कोई नहीं बता रहा हमें कि क्या है कन्फेशन। तो फिर कन्फेशन कौन बताता है? किसने बताया हमें कन्फेशन क्या है? कन्फेशन हमें बताया पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में प्रीवी काउंसिल ने। क्या बताया? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट अ कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस और एट एनी रेट सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस एंड एडमिशन ऑफ अ ग्रेवली इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट इवन अ कंक्लूसिवली इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट इज नॉट इन इटसेल्फ अ कन्फेशन। ठीक, क्या कहा, क्या कह दिया पकला नारायण स्वामी के केस में? तो पकला नारायण स्वामी का जो केस है, ये केस हमने कहाँ पढ़ा है? पढ़ा तो सभी ने, लेकिन कहाँ पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है डाइंग डिक्लेरेशन में। कन्फेशन में कैसे रेलेवेंट है ये? हाउ इज इट रेलेवेंट इन कन्फेशन? और ये क्या बोल दिया, ये जो अभी हमने पढ़ दिया, ये क्या बोल दिया ये स्टेटमेंट ने? तो अब ध्यान से सुनो, पूरी कहानी सुनते हैं। वहां तक की कहानी तो सभी को पता है, जहां पे एक पर्सन जो कि पकला नारायण स्वामी था, पकला नारायण के ससुर जी जाते हैं पकला नारायण से पैसे लेने, और जिस ट्रेन से उनका वापसी का आना था उस ट्रेन में, एक सेकंड, जिस ट्रेन से उन्हें वापस आना था उस ट्रेन में मिलती है एक बक्सा, और बक्से में मिलती है इनकी लाश, ससुर जी की लाश। तो अब यहां तक की कहानी तो सबको पता है, लेकिन इसके बाद जब पूछताछ होती है तब पकला नारायण स्वामी को पकड़ा जाता है और उससे बोला जाता है कि क्या ये जो ससुर जी थे तुम्हारे घर आए थे
वो कहता है हाँ आए थे, रात को यही रुके थे। इसके बाद सुबह उन्हें छोड़ने मैं खुद गया था, मैंने उन्हें पैसे दिए थे जो पैसा वो लेने आए थे, और उनको सुबह छोड़ने मैं खुद गया था। ये जो स्टेटमेंट था पकला नारायण स्वामी का, इस स्टेटमेंट को पुलिस कहती है कि ये कन्फेशन है, कि यहाँ पे इसने मान लिया, पकला नारायण स्वामी ने मान लिया ये चीज, इसने एक्सेप्ट कर ली है ये चीज कि इसने एक्सेप्ट कर ली है कि ये खून मैंने ही किया है। क्या ये कहना कि हाँ ससुर जी आए थे और रुके थे और सुबह मैं ही उन्हें छोड़ने गया, क्या ये कहना कन्फेशन है? तो इसीलिए ये लिखा गया है एन एडमिशन ऑफ अ ग्रेवली इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट, ऐसा कोई फैक्ट जो कि ग्रेवली इनक्रिमिनेटिंग हो, जिससे आपका गिल्ट सिद्ध हो सकता है। इवन अ कंक्लूसिवली इनक्रिमिनेट फैक्ट इज नॉट इन इटसेल्फ अ कन्फेशन, ऐसा स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं है, इस स्टेटमेंट को हम कन्फेशन नहीं मानेंगे। तो फिर कन्फेशन क्या है? कन्फेशन दो चीजें हैं, ठीक। कन्फेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इनकल्पेटरी, एक होता है इनकल्पेटरी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जहां पे आप फैक्ट्स तो बता ही रहे हो, साथ में मान भी रहे हो कि हाँ आप ही ने किया है। अगर इस स्टेटमेंट के साथ ये कह देता कि हाँ वो आए थे, वो रुके थे, फिर हमारा झगड़ा हुआ, ये क्या है? ये इनकल्पेटरी है। और एक क्या होता है? एक होता है एक्सकल्पेटरी, एक होता है एक्सकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी मतलब क्या? एक्सकल्पेटरी का मतलब वो फैक्ट जिसमें आप बताते हो तो हो कि आप ही ने किया है, लेकिन आप कोई डिफेंस भी देते हो, आप कोई रीजन भी देते हो। तो जैसे एक लड़की है, इस लड़की के ऊपर केस चल रहा है कि इस लड़की ने इस लड़के का खून किया है, ये कहती है हाँ खून किया है मैंने, लेकिन क्यों किया? क्योंकि ही वॉज अटेम्प्टिंग रेप ऑन मी। ये कैसा चीज है? ये कन्फेशन तो है, क्योंकि गिल्ट तो बता रहा है, वो कन्फेशन है, गिल्ट बता रहा है, बता रही है कि मैंने किया है, लेकिन साथ में अपने गिल्ट को खत्म भी कर रही है ये कह के कि वो रेप अटेम्प्ट कर रहा था। सेक्शन 100 क्या है? सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी वो बताता है कि जब भी किसी लड़की पे रेप अटेम्प्ट हो रहा है उस समय पे वो कितना भी उसको हर्ट कर सकती है, खून तक कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये क्या हुआ? ये एक्सकल्पेटरी। ये दोनों चीजों को याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक। पढ़ा रही हो सर, ठीक। तो इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी समझ में आया, तो अब जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन समझते हैं। तो जुडिशियल कन्फेशन वो है जो कि मैजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। किसको दिए? मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट को दिया हुआ हर स्टेटमेंट जुडिशियल कन्फेशन है। मैंने अपना गिल्ट माना और किसके सामने माना? मैजिस्ट्रेट के सामने माना, ये क्या है? ये जुडिशियल कन्फेशन है। मैजिस्ट्रेट के अलावा अगर किसी के भी सामने माना गया तो वो क्या कहलाता है? वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कहलाता है, ठीक। वो क्या कहलाता है? किसी के भी सामने अगर आप मान रहे हो तो फिर वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल। मैं भाग के आपके पास आती हूँ और कहती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे किसी का खून हो गया है, मैंने ये स्टेटमेंट आपको दिया, ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? जुडिशियल है या एक्स्ट्रा जुडिशियल है? बताओ मुझे जल्दी से बताओ, ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? जुडिशियल है या एक्स्ट्रा जुडिशियल है? बताइए, जुडिशियल है या एक्स्ट्रा जुडिशियल? जल्दी से बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। तुम लोग ये बता रहे हो, तब तक एक और सवाल, क्या कन्फेशन खुद को किया जा सकता है? क्या कन्फेशन खुद को किया जा सकता है? कैन यू मेक कन्फेशन टू योर सेल्फ? बिल्कुल ठीक। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है जहां पे आप कन्फेशन आके मुझे कर रहे हो, जहां पे आप अपना गिल्ट के बारे में आके मुझे बता रहे हो, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। जुडिशियल कन्फेशन कौन सा है? जो मैजिस्ट्रेट के सामने किया गया, और पुलिस के सामने जो किया गया है वो कैसा कन्फेशन है? जो कन्फेशन पुलिस के सामने किया गया है वो कैसा कन्फेशन है? वो कोई कन्फेशन नहीं है, दैट इज नथिंग, वो कोई कन्फेशन नहीं है, वो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट रेलिवेंट भी नहीं है, ठीक। इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी नहीं समझ में आया, जल्दी से सुनो स्वर। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट वो होता है जहां पे आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो, आप अपनी सारी गुनाह एक्सेप्ट कर लेते हो। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट में आप अपनी गलती तो एक्सेप्ट करते हो, लेकिन साथ में कोई डिफेंस भी देते हो। जैसे वो रेप वाला एग्जाम्पल याद रखो, कि लड़की कह तो रही है कि उसी ने खून किया है, यानी वो मान तो रही है कि उसने खून किया है, लेकिन क्यों किया है? क्योंकि सामने वाला उस पर रेप अटेम्प्ट कर रहा था, इसीलिए उसने खून किया है। तो यहाँ पे क्या इस लड़की को सजा होगी? लड़की को सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि
क्योंकि उसने स्टेटमेंट तो बता दिया, उसने ये तो बता दिया कि खून उसी ने किया है, लेकिन उसने ये भी बताया कि उसने खून क्यों किया है, यानी उसने जस्टिफिकेशन भी दिया। तो अगर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो तो वो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, सेल्फ कन्फेशन टू सेल्फ कैन ऑल्सो बी डन। एक केस था, केस साहू साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था शायद, तो बहुत अच्छा केस था। उसमें क्या होता है, मियां बीवी के झगड़ा होता है और झगड़े के बाद हस्बैंड वाइफ को मार के, हस्बैंड मियां बीवी का नहीं, डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ का झगड़ा होता है और फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ को मार देता है और फिर खुद ही बड़बड़ाने लगता है कि आज मैंने काम खत्म कर दिया उसका, आज से सारी चिक चिक बंद, अब से रोज के झगड़े होना बंद। ये सब क्या है, ये खुद ही को बोल रहा है वो, जब लोग किसी और ने इसको खुद से ये सब बोलते हुए सुना तो इसने ये सारे स्टेटमेंट कोर्ट में दिए गए। तो इन स्टेटमेंट को कहा गया कि खुद से दिया हुआ स्टेटमेंट, खुद को किया हुआ कन्फेशन भी रेलेवेंट कन्फेशन है। ठीक ठीक अब आ जाओ सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 देखो क्या कह रहा है। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। ऐसा स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो, ऐसा कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो, वो रेलेवेंट ही नहीं है, उसे सुनाई नहीं जाएगा, माना ही नहीं जाएगा, इट इज नॉट रेलेवेंट। इट कैन ऑल्सो बी नॉट प्रूव्ड बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चर। अगर मान लो पुलिस के सामने कन्फेशन रेलेवेंट होने लगे तो फिर तो 100% क्राइम सॉल्व रेट होगा, जो पर्सन मिलेगा उसी को पुलिस पीट पीट के कन्फेशन निकाल लेगी, राइट? तो ये प्रैक्टिस ना चले, इसीलिए सेक्शन 25 में ये कह दिया है कि पुलिस के सामने कन्फेशन नहीं दिया जाएगा। फिर किसके सामने दिया जाएगा, किसके सामने दिया जाएगा? तो सेक्शन 26 बता रहा है कि सबसे अच्छा कन्फेशन तो वो है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने आप कन्फेशन दे रहे हो और वहां पे पुलिस भी है, मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दे रहे हो और वहां पुलिस भी है, तो भी वो कन्फेशन रेलिवेंट है, तो भी वो कन्फेशन कैसा है, वो कन्फेशन रेलिवेंट होगा, ठीक है? हाँ कहाँ लिखा है टेम्पोरल इन नेचर? अब सेक्शन 27 पे आओ। 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 बात करता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की, यानी वो फैक्ट जो कि डिस्कवर हुए हैं। तो कौन से फैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं, राइट? कैसे फैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं? तो आपने एक चोरी हुई है, इस चोरी के बारे में पुलिस पूछती है एक अक्यूज से कि क्या तुमने चोरी की है, वो कहता है नहीं। पुलिस बोलती है सच सच बताओ चोरी तुमने की है, वो डर जाते कहता है हाँ भाई वहां सारी चोरी मैंने की है, सारी चोरी का सामान गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ है। पुलिस क्या ये स्टेटमेंट कोर्ट में बता सकती है कि इसने हमारे सामने जुर्म कबूला है? नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि सेक्शन 25 हमें कह रहा है कि आप पुलिस के सामने जो कन्फेशन हुए हैं वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होंगे। तो फिर क्या रेलिवेंट होगा? पुलिस ने इस स्टेटमेंट के बदले जो चीजें डिस्कवर की, जो ट्रूथ, जो थिंग्स पुलिस ने डिस्कवर किए, जिनको खोजा, वो चीजें रेलेवेंट होंगी। तो पुलिस जाएगी गाड़ी में, गाड़ी की डिक्की देखेगी, गाड़ी की डिक्की में मिल गया चोरी का सामान, तो फिर क्या ये चीज प्रूव करी जा सकती है कि इस पर्सन की गाड़ी की डिक्की में मिला है सामान? बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो पुलिस को दिया जा रहा है वो तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उस स्टेटमेंट के बदले अगर कोई चीज डिस्कवर होती है, कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है, तो उस फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। जल्दी से देखो ये क्या कह रहा है। द फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड। कैसे डिस्कवर हुआ वो फैक्ट? जो अक्यूज्ड ने स्टेटमेंट दिया उससे डिस्कवर हुआ। द पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ये जो पर्सन है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके ऊपर किसी ना किसी तरह का इल्जाम लगा था। ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। कहां दे रहा है ये स्टेटमेंट? पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में दे रहा है। दैट पोर्शन ओनली ऑफ द इंफॉर्मेशन विच रिलेट डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड कैन बी प्रूव्ड, द रेस्ट इज इनएडमिसिबल। बाकी चीजें इनएडमिसिबल है। बाकी वो ये बता रहा है कि मैंने इसलिए किया, मैंने उसलिए किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये सारी चीजें इनरेलीवेंट है। ये चीज की चोरी का सामान डिक्की में है, बस ये फैक्ट रेलिवेंट है। ठीक आ जाओ सेक्शन 28 पे। कन्फेशन मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थिएटर प्रॉमिस। जो इंड्यूसमेंट थिएटर प्रॉमिस हमने देखा था ना 24 में, अगर वो नहीं है,
पहले जब दिया गया था तब वो था, तो जो कन्फेशन था वो इररिलेवेंट था, लेकिन अब ये इंड्यूसमेंट, अब ये थ्रेट, अब ये प्रॉमिस, इन सबको हटा दिया गया है, अब नहीं है ये। और फिर भी ये पर्सन जो है ये अपना स्टेटमेंट फिर भी दे रहा है, तो ऐसे में जो कन्फेशन है वो रेलिवेंट हो जाएगा। कन्फेशन हियर इज रेलिवेंट एंड फ्री। एक बार जब वो इंड्यूसमेंट, एक बार जब वो कन्फेशन, एक बार जब वो प्रॉमिस, एक बार जब वो थ्रेट हट गया, उसके बाद भी अगर ये पर्सन अपनी बात पे अड़ गया, उसके बाद भी अगर ये अपना जुर्म कबूल रहा है, तो ऐसे केस में वो जो कन्फेशन है वो कन्फेशन वैलिड हो जाएगा। ठीक, सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या ये कह के मैं आपसे कन्फेशन ले सकती हूं और उसको दे सकती हूँ कोर्ट में? बिल्कुल। इस झांसे में मत आना कभी कि अगर तुमसे कोई कहे कि मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ये कह के आप प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी दे के कन्फेशन लेके कन्फेशन को रेलेवेंट कर सकते हो। कन्फेशन अगर रेलेवेंट है तो वो सिर्फ इसलिए इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सच्ची ऐसा नहीं होगा। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपसे जबरदस्ती ना लिया हो। ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, दोनों चीजों का बताती हूँ। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट कैन बी गिवन, लेकिन वो वॉलेंटरीली गिवन होना चाहिए, वो आपने खुद से दिया हो। ठीक है, जबरदस्ती आपसे टॉर्चर करके नहीं निकलवाया हो। ठीक, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि कन्फेशन सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। तो आर वर्सेस सेल्वी का, जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस आप लोगों ने सुना होगा, उस केस में भी यही हुआ था कि फॉरेंसिक एविडेंस जो होता है, फॉरेंसिक एविडेंस आप जबरदस्ती नहीं ले सकते अक्यूज से, आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा, तभी आप उससे फॉरेंसिक एविडेंस ले सकते हो। तो ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके अलावा ये जो सारे टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट में बेसिकली कैसे टेस्ट टेस्ट कंडक्ट कैसे करवा सकते हो आप तभी करवा सकते हो जब अक्यूज ने हामी भरी हो। तो यानी उसका कंसेंट इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी कंसेंट लिए गई है तो ऐसे केस में जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को वैलिड माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सेक्शन 20, सॉरी आर्टिकल 23 यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसके अगेंस्ट नहीं है। कन्फेशन का जो रूल है, कन्फेशन का रूल इसके अगेंस्ट नहीं है। किस केस में कहा गया था? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये आया समझ में? 28 देखो क्या कह रहा है। 28 ये कह रहा है कि पहले हमने देखा था 24 में कि जहां पे एक पुलिस ऑफिसर धमका रहा है कि सच सच बता दे वरना तुझे सारा जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा, थ्रेट दिया था, धमकी दी थी, उसने बता दिया, वो स्टेटमेंट तो रेलिवेंट नहीं है, दैट स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट। लेकिन अगर उस पुलिस ऑफिसर का कहीं और ट्रांसफर हो जाए, अब वो पुलिस ऑफिसर ही नहीं है वहां पे उस पूरे स्टेशन में, और फिर भी ये जो अक्यूज है वो यही स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ मैंने ही किया है, तो क्या ऐसे में इसका कन्फेशन वैलिड मान लेंगे? हाँ मान लेंगे, अब ये कन्फेशन वैलिड कन्फेशन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेट था, ये जो प्रॉमिस था, ये जो इंड्यूसमेंट था, अब ये रिमूव हो गया है, अब ये हट गया है, अब नहीं है, तो अब ये रेलिवेंट हो गया। ठीक, आ गया। जो सेक्शन 30 देखते हैं, सेक्शन 30 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 30 कवर्स कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली इन ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। किस बारे में बात कर रहे हैं? को अक्यूज्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है, एक साथ ही ट्रायल चल रहा है, वहां पे एक अक्यूज्ड, एक को अक्यूज्ड बाकी सबके खिलाफ एविडेंस दे रहा है। तो जनरली क्या होता है कि पुलिस कहती है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, उसके खिलाफ एविडेंस दे दो, तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, राइट? ऐसे में अगर एक को अक्यूज दूसरे अक्यूज के खिलाफ एविडेंस दे रहा है, तो क्या ऐसा एविडेंस रेलेवेंट है? तो ये सेक्शन कहता है, देखो रेलेवेंट तो है, ठीक है, रेलेवेंट तो है, एविडेंशियल वैल्यू क्या है इसकी? लेकिन इसकी एविडेंशियल वैल्यू अच्छी नहीं है, इट हैज वीक एविडेंशियल वैल्यू। जब भी एक को अक्यूज दूसरे को अक्यूज के खिलाफ एविडेंस दे रहा होता है तो उसे हम वीक एविडेंस मानते हैं। क्यों वीक एविडेंस मानते हैं? इसलिए वीक एविडेंस मानते हैं क्योंकि ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, ये खुद को बचाने के लिए सामने वाले पे सारा इल्जाम लगा रहा है, राइट? ये खुद को बचाने के लिए सामने वाले पे इल्जाम लगा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है? अफेक्टिंग
जॉइंटली, ठीक। इसके ऊपर एक अच्छा सा केस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईपीसी के अंदर केस है, बहुत ही अच्छा केस है, पोस्ट मास्टर केस जिसे हम कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा केस है। उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में डकैती डालने जाते हैं, डकैती डालते टाइम एक पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं सारा पैसा दे दे वरना मार देंगे। पोस्ट ऑफिसर मना जो ऑफिसर होता है मना कर देता है, मैं नहीं दूंगा पैसे, ये मार देते हैं उसे। मारने के बाद सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं और एक बच जाता है। जो बच जाता है वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस बाहर पहरा दे रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, खून तो इसने किया, इसने किया, इसने किया। वो नाम बताता है कि इन लोगों ने खून किया है, खुद के बारे में वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, राइट। अब ऐसे केस में ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ऐसे केस में वो स्टेटमेंट ये क्यों दे रहा है कि इन लोगों ने खून किया और मैंने नहीं किया, ये चीज कि सेक्शन 34 के अंदर वो रेलेवेंट है वो तो अलग चीज है, राइट। सेक्शन 34 के अंदर वो रेलेवेंट है ये तो अलग चीज है, नहीं ये कश्मीरा वाला केस भी नहीं है। हाँ, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, बिल्कुल ठीक इबारत, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल ठीक, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, बिल्कुल ठीक बात जी। इस केस में ये चीज अलग है कि ये सेक्शन 34 के अंदर रेलिवेंट है, लेकिन तुम खुद सोचो ना कि ये खुद के बारे में कह रहा है कि मैं तो बस बाहर पहरा दे रहा था और बाकी लोगों का नाम लगा रहा, तो ये क्यों कर रहा है, ये खुद को बचाना चाहता है, राइट। सभी इंसानों में सेल्फ प्रेजर्वेशन बहुत होता है, सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट बहुत होता है, आप खुद को बचाना चाहते हो एट एनी कॉस्ट, तो आप इसीलिए सामने वाले के ऊपर झूठा इल्जाम इसीलिए लगा रहे हो ताकि आप खुद को बचा सको। आपने खुद कोई जुर्म किया है, यू हैव कमिटेड अ क्राइम, आपने खुद एक जुर्म किया है, तो जाहिर सी बात है दूध के धुले तो आप भी नहीं हो, आपके स्टेटमेंट पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता, आप खुद गुनहगार हो, राइट। इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट रेलेवेंट है क्या? बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन क्या ऐसे स्टेटमेंट के सोल बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, कोरोबोरेशन कॉन्ट्रडिक्शन नेसेसरी है यहाँ पे, बरेंद्र। हाँ ठीक, अब देखो पांचों वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस में क्या कहा गया था, कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज आर एंड सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, कैन ओनली बी यूज टू कंफर्म द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम अदर एविडेंसेस इन क्रिमिनल केसेस। इसीलिए बाकी जो केस में एविडेंसेस मिले हैं उन एविडेंसेस को कोरोबोरेट करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिस पे, इसके सोल बेसिस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक। बिफोर द कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन अगेंस्ट अदर, इट हैज टू बी शोन दैट द पर्सन कन्फेसिंग एंड द अदर्स आर बींग ट्राइड जॉइंटली, एक ही ऑफेंस के लिए इनको जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर बींग ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए किया जा रहा है, ट्रायल भी एक ही चल रहा है, एक ही कोर्ट रूम में इनके खिलाफ केस प्रोसीडिंग चल रही है, इसके अलावा इनके ऊपर एक ही ऑफेंस के अंदर केस चल रहा है। द कन्फेशन इज अफेक्टिंग द कन्फेशनर एंड द अदर्स, जो कन्फेशन है तो जो कन्फेशन दे रहा है उसको तो अफेक्ट कर ही रहा है, साथ में जिन और लोगों के ऊपर केस चल रहा है उनको भी अफेक्ट कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है सेक्शन 30 में। सेक्शन 32 देखियो एविडेंस, सेक्शन 32 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 32 बात करता है रूल ऑफ नेसेसिटी के बारे में, यानी इस चीज के बारे में कि अगर कोई और एविडेंस ही नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, किसी तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, किसी आई विटनेस के पास हम नहीं जा सकते, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? तो हमें लॉ ये भी परमिट करता है कि जो लोग मर गए हैं, जो खो गए हैं, जो कोर्ट नहीं आ सकते, उन लोगों का भी एविडेंस मान लो, उनका भी स्टेटमेंट मान सकते हो, लेकिन कब? सिर्फ और सिर्फ तब जबकि बाकी किसी भी तरह का एविडेंस नहीं हो रिकॉर्ड पे, जब बहुत आवश्यक हो तभी ऐसा रूल को आप फॉलो करोगे, ठीक। देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन हु इज डेड, ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है, हु कैन नॉट बी फाउंड, जो कि मिल नहीं रहा है एटसेट्रा इज रेलेवेंट, ठीक। क्या कह रहा है, एनी रिटन और वर्बल स्टेटमेंट कंटेनिंग रेलेवेंट फैक्ट विच इज मेड बाय अ पर्सन हु इज ईदर डेड, या तो मर चुका है ये पर्सन या मिल नहीं रहा है या इनकेपेबल हो गया है, ठीक है, हाँ,
ये क्या हो गया, इनकेपेबल हो गया है, गूंगा हो गया है, बहरा हो गया है, कोमा में चला गया है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, चल ही नहीं पा रहा है, कोर्ट नहीं आ सकता, ठीक। अगर इस पर्सन का वेट किया तो इट वुड डिले द कोर्ट प्रोसीडिंग, या फिर एक्सपेंसेस ही इतने हो जाएंगे विच इज अनरीजनेबल। तो ऐसे केस में कोर्ट इन लोगों द्वारा कहा गया कोई भी पुराना स्टेटमेंट भी यूज कर सकती है अब, कोई भी पुराना स्टेटमेंट भी यूज कर सकती है अब, ठीक। देखो 32(1) ये वाला सेक्शन तो सबको याद होता है क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जाता है, सेक्शन 32(1) और 32(2) जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है, इन दो चीजों के बारे में सवाल पूछा जाता है, बाकी जगहों से सवाल नहीं आता। ये किस बारे में बात करता है जल्दी से मुझे बताओ, सेक्शन 32(1) किस डॉक्ट्रिन के बारे में बात कर रहा है जल्दी से बताओ, व्हाट डॉक्ट्रिन आर वी टॉकिंग अबाउट हियर। बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है, पकला नारायण स्वामी का पूरा केस इसी पे बेस्ड है, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ इसमें डिफरेंट बात करते हैं, क्या डॉक्ट्राइन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट डॉक्ट्रिन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। टू वन 32(1) ये है डॉक्ट्रिन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, डाइंग डिक्लेरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। ऐसी ऐसा स्टेटमेंट जो कि इंसान जो कि मर चुका है, उस मरे हुए आदमी का स्टेटमेंट जब हम रेलिवेंट कंसिडर करते हैं तो उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में सिद्धांत ये है कि कोई भी पर्सन जिसकी डेथ होने वाली है, ऐसा माना जाता है कि मरते समय ये झूठ नहीं बोल रहा होगा, कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर से झूठ के साथ नहीं मिलेगा, ये कहा जाता है, और इसी सिद्धांत पे बेस्ड है ये डाइंग डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल। ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि डाइंग डिक्लेरेशन में एक व्यक्ति जो कि मर चुका है, उसका कोई प्रीवियस कथन, उसका कोई ऐसा कथन जो कि किसी भी तरह से उसकी डेथ के बारे में इन्फेरेंस दे रहा है, जो कि किसी भी तरह से उसकी डेथ के बारे में हमें कोई इशारा दे रहा है, कोई हिंट दे रहा है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इज अ रेलेवेंट स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट क्या है, रेलेवेंट स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है वो कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता रहा हो कि इस वजह से मृत्यु हुई या फिर इस रीजन की वजह से मृत्यु हुई, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है तो वो रेलेवेंट स्टेटमेंट है, सच स्टेटमेंट इज अ रेलेवेंट स्टेटमेंट, ठीक। क्यों बताया जा रहा है, देखो ऐसे स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिना एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ के भी दिया जा सकता है, सच अ स्टेटमेंट कैन बी मेड इवन आफ्टर, अगर तब भी दिया जा सकता है जब एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ ना हो। पकला नारायण स्वामी का जो केस था, केस के फैक्ट्स आप सभी लोगों को पता है, एक इंसान है, ये इसने अपने दामाद को कुछ पैसा उधार दिया हुआ है, ये पैसा लेने के लिए इसके पास एक चिट्ठी आती है और ये चिट्ठी पे लिखा होता है कि आपका पैसा तैयार है आप लेने आ जाओ। ये चिट्ठी अपनी बीवी को दिखाता है कि देखो उसका तार आ गया है, मैं जाता हूँ उससे पैसे लेने, इतना बोल के वो निकल जाता है। कुछ दिनों बाद लाश मिलती है बक्सों में, 13 हिस्सों में बटी हुई होती है, 13 पार्ट्स में उसकी लाश बटी हुई होती है उस बक्से में, सील के बक्से में। अब सवाल ये है कि जिस टाइम पे उसने ये स्टेटमेंट दिया उस टाइम पे कोई एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं थी, उसे नहीं पता था कि वो मरने वाला है, तो क्या इस स्टेटमेंट को भी हम रेलिवेंट कह देंगे, सेक्शन 32 कहता है कहेंगे। यही डिफरेंस है इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में। इंग्लिश लॉ में आदमी को हमेशा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी डेथ होने वाली है, तब अगर उसने स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट है। तो मान लो एक ब्राइड है, ठीक, इस ब्राइड को जला दिया गया है डाउरी के लिए, इस पे आग लगा दी गई है डाउरी के लिए, ये हॉस्पिटलाइज होती है, हॉस्पिटल में ये मरने की कंडीशन में होती है जब ये बताती है कि इसके सास ससुर ने इस पे आग लगाई है। ऐसे में इन सच अ केस अगर ये ब्राइड बच जाए तो क्या ये जो स्टेटमेंट इसने दिया था इस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जा सकता है? जवाब है नहीं, नहीं किया जा सकता, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है ये। क्यों नहीं है ये डाइंग डिक्लेरेशन, व्हाई इज दिस नॉट कॉल्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन, बिकॉज मरना जरूरी है, डाइंग डिक्लेरेशन के केस में मरना जरूरी है, इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। अगर व्यक्ति बच गया
तो वो स्टेटमेंट जो उसने दिया था उसे एज डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट नहीं कहा जाएगा, उसे किसी और सेक्शन में हम रेलेवेंट कर लेंगे, ठीक, उसे हम कंडक्ट में, उसे हम प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट में, इफेक्ट में, किसी भी तरह हम किसी और जगह रेलेवेंट कर लेंगे, लेकिन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन हम उसे रेलेवेंट नहीं मानेंगे, ठीक। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन का जो सिद्धांत है वो हियर से एविडेंस में आता है, रेस जेस्टे हो गया, 32(1) यानी डाइंग डिक्लेरेशन, ये हो गया, एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया, ये सब क्या है? ये सभी कुछ एक्सेप्शन है किसके? हियर से रूल के। हमने कहा था ना कि हम किसी की कही सुनी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? हस्बैंड जा रहा था, वाइफ को बता के गया कि मैं जा रहा हूं, राइट, वाइफ ने सुना कि ये जा रहे हैं, वाइफ आके कोर्ट में बताती है कि इन्होंने ये कहा था, क्या है ये? कहीं सुनी बातें हैं, वाइफ ने सुना बस कि वो जा रहे हैं, कहीं सुनी बातें हैं, हियर से रूल का एक्सेप्शन है, राइट। एडमिशन क्या होता है? जहां पे आप किसी व्यक्ति को कोई बात बताओ और वो व्यक्ति जाके कोर्ट में सब बातें बता दे, क्या है ये? एडमिशन है। कन्फेशन में भी यही होता है, राइट, कि मैंने आपको बताया कि खून मैंने किया है, आप जाके कोर्ट में बता दो, तो आपने मुझे खून करते देखा? नहीं देखा। आपने, आपको कोई एविडेंस मिला है मेरे खिलाफ? नहीं मिला है। आप तो सिर्फ ये बता रहे हो कि मैंने बताया था। तो कही सुनी बातें भी कोर्ट में रेलेवेंट है, लेकिन किन कंडीशन में? सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशन में, यहीं पे हियर से रूल माना जाता है। क्यों मान रहे हैं हम यहाँ पे हियर से रूल? इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जरूरत है, हमारे पास किसी और तरीके का एविडेंस ही नहीं है, ठीक। वी डो नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस टू प्रूव आर केस, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? हमारे पास बचा क्या? हमारे पास यही बचा, तो इन्हीं तरीके से हम प्रूव करेंगे। वी हैव टू प्रूव लाइक दिस, इन्हीं तरीके से हमको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। बहुत अच्छा सवाल पूछ रही है किरण। किरण पूछ रही है कि क्या एफआईआर को भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, एफआईआर कैन ऑल्सो भी यूज एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, बिल्कुल ठीक। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, देखो क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या? डाइंग डिक्लेरेशन एक वो स्टेटमेंट है जो कि पर्सन जो कि मर गया है उसने दिया था, जहां पे वो रीजन बता रहा है या फिर कॉज बता रहा है, या तो ये बता रहा है कि मृत्यु क्यों हुई या फिर ये बता रहा है कि किस वजह से हुई, रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिजल्टिंग इन डेथ, या फिर किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से मृत्यु हुई है, तो ये सब क्या है? ये सब डाइंग डिक्लेरेशन है। रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट है? बिकॉज क्यों रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट ही इसीलिए है क्योंकि ये कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे नेसेसिटी का रूल आ गया है। हियर से एविडेंस के बारे में देखो, जल्दी से पढ़ो। हियर से रूल इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू जनरल रूल दैट कंसिडर्स इनएडमिसिबल एंड स्टेटेड ऑन ओथ एंड देयर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द ओरिजिनल सोर्स। हियर से एविडेंस को हम रूल क्यों नहीं, हमको हम उसको एविडेंस क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपने सुना, इससे सुना, इससे सुना, इसका सुना, तो ऐसे केस में जो सच है वो तो गुम गया, और हम किसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे? जिस पर्सन ने ओरिजिनल सोर्स जो है हमारा, जिस व्यक्ति ने ये बात बोली है, उसको तो हम क्रॉस एग्जामिन भी नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे केस में हियर से एविडेंस की एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल जीरो, राइट। तो इसीलिए हियर से एविडेंस को इसीलिए सिर्फ दो ही कंसिडरेशन में माना जाता है, जहां पे बहुत जरूरी है यानी नेसेसिटी है, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पे उसकी ट्रस्टवर्दीनेस पे शक नहीं किया जा सकता, यानी ये चीज नहीं कही जा सकती कि ये झूठ होगा। ऐसे केस जहां पे ये माना ही जाएगा, ऐसा केस जहां पे ये माना ही जाएगा, हाँ लवली, ऐसे वहां चला जाएगा वो, ऐसा केस जहां पे माना ही जाएगा कि ट्रस्टवर्दी स्टेटमेंट दिया गया है, तो ऐसे केसेस में क्या माना जाएगा? हियर से एविडेंस वैलिड एविडेंस है, ठीक। अब देखो सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल अंडर दिस एंड हियर से एविडेंस इज एडमिसिबल। हियर से एविडेंस में यहां भी उसको एडमिसिबल माना जाएगा, अगर आप ये बात प्रूव कर देते हो कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो स्टेटमेंट सच है और वो स्टेटमेंट रिलेट करता है डेथ से, तो ऐसे स्टेटमेंट के बेसिस पे भी, सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेसिस पे भी क्या हो सकता है? कन्फेशन, इसको सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेसिस पे भी कन्विक्शन किया जा सकता है, ठीक।
एडमिसेबल है, बिल्कुल है। कौन सी वो डॉक्ट्रिन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? नेमो मॉलिटर्स प्रोजिमिटर मेंटरी। ठीक, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मैन डज नॉट लाई एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड ही विल नॉट मीट गॉड विद द लाइज इज माउथ। भगवान से कोई भी व्यक्ति अपने मुंह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। ठीक, हो सकता है। अब देखो, सेक्शन 32(1) में दो तरह के एविडेंसेस को हम मान रहे हैं। पहला, स्टेटिंग द कॉज ऑफ डेथ, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कॉज ऑफ डेथ बताई गई हो। स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनी सर्कमस्टेंसेस विच रिजल्टेड इन डेथ, एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सर्कमस्टेंस जो कि जिससे कि डेथ हुई है उसको भी हम क्या मान रहे हैं? रेलेवेंट मान रहे हैं। पगला नारायण स्वामी का केस आप सभी को पता है। उस केस में बताया गया था कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कैन बी द सोल बेसिस, सिर्फ उस डाइंग डिक्लेरेशन को ही हम सोल बेसिस बना के सजा दी जा सकती है। ठीक, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, कौन सा केस है ये जहां पे लड़की का गला काट दिया था, थ्रोट कट कर दिया था और वो बोल नहीं पा रही थी। इस केस में लड़की अगर कुछ कम्युनिकेट कर रही थी और कम्युनिकेशन उसने इशारों से किया था और फिर उसकी डेथ हो गई, तो क्या उन इशारों को हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। सेक्शन 119 फिर से याद करो, विटनेस अनेबल टू स्पीक, उस स्टेटमेंट को भी हम क्या मानेंगे? स्टेटमेंट मानेंगे। उस स्टेटमेंट को भी विटनेस का स्टेटमेंट मानेंगे और उन इशारों को भी, उन साइन को भी हम क्या मानेंगे? डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। ठीक, अनीता वर्सेस अटल बिहारी, इट वॉज हेल्ड दैट द इन द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दैट बर्थ एंट्री इन रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ कैन नॉट बी टेकन एज द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अक्यूज। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट द ओपिनियन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट कैन नॉट बी प्रेफर्ड इन सच एन एंट्री। ये 32(4) से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक, 32 में और भी चीजें हैं, जैसे कि सेकेंड वाला जो पार्ट है, वो सेकेंड वाला पार्ट किससे डील करता है? वो बात करता है कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में। तो अगर कोई चीज कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, तो ऐसे केस में अगर कोर्स ऑफ, ये बाकी दूसरे सेक्शंस में रेलेवेंट हो सकती है लवली, जो आप सेक्शंस बता रहे हो ना वहां पे रेलेवेंट हो सकती है। ठीक, कोर्स ऑफ बिजनेस में, और कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चीजें लिखी गई हैं वो सारी चीजें रेलेवेंट होंगी। ठीक है, जैसे एल के आडवाणी के केस में ये पाया गया था कि कुछ रिकॉर्ड्स थे, कुछ नोट, कुछ एंट्रीज थी जो डायरी में करी गई थी, उन एंट्रीज को रेलेवेंट माना गया था। दोज एंट्रीज वर फाउंड टू बी रेलेवेंट, राइट? तो ऐसी ऐसी चीजें जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई है वो भी रेलेवेंट होंगी। सेक्शन 32 का 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा जो है उनको आप एक बार बेरेक से चेक कर सकते हो, दोज आर इजी थिंग्स। ठीक, सेक्शन 40 पे आ जाओ। सेक्शन 40 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है रेस जुडिकाटा के बारे में। रेस जुडिकाटा का सिद्धांत इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां दिया हुआ है? तो दिया हुआ है सेक्शन 40 में। देखो जरा क्या कह रहा है, प्रीवियस स्टेटमेंट रेलेवेंट टू बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल। बेसिकली दिस सेक्शन डिफाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट विल बी रेलेवेंट इवन इन अ सेकेंड ट्रायल। देर आर रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज। इट बेसिकली मीन्स दैट इफ एनी जजमेंट विच प्रिवेंट्स द कोर्ट फ्रॉम गिविंग अटेंशन टू सच अ सूट और पिटिशन विल बी रेलेवेंट फैक्ट। अगर एक चीज में, एक सूट में, एक किसी केस में चीज फाइनली डिसाइड हो गई है, तो क्या उसी के ऊपर दूसरा सूट चला चल सकता है? नहीं। तो आपको क्या प्रूफ करना है वहां पे? वो पहला सूट जिसमें बात फाइनली डिसाइड हुई थी, दैट फर्स्ट सूट जिसमें मैटर्स कंक्लूसिवली डिसाइड हो गए थे, वो सूट अगर आप प्रूफ कर देते हो कि ये सूट इस दिन पे यहाँ पे हेल्ड हुआ था और ये रही उसका डिक्री, तो उस केस में ये जो सेकेंड सूट है ये सेकेंड सूट बार हो जाएगा। तो सेकेंड सूट जब बार हो जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेस जुडिकाटा। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ सेक्शन 44 पे। सेक्शन 44 किस बारे में बात करता है? फ्रॉड या कल्यूजन। फ्रॉड क्या होता है? धोखेबाजी। और कल्यूजन क्या होता है? मिलीभगत। ठीक, जब ऐसा करके आप कोई जजमेंट ऑब्टेन कर रहे हो, कोर्ट को धोखा दे रहे हो कि जजमेंट ऑब्टेन करने के लिए, या फिर इनकॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट, जब ये प्रूफ कर दिया जाए, इट बेसिकली सेज दैट प्रीवियस जजमेंट इज प्रोवाइडेड इज प्रूव्ड फ्रॉड कल्यूजन सीक्रेट इलीगल कोऑपरेशन और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, देन सच जजमेंट डज नॉट हैव इफेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। तो सेक्शन 40 का एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 40 का एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 40,
40वें सेक्शन जिसमें हमने रेस ज्यूडी काटा की बात की थी, उसका एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन है। क्या कह रहा है ये सेक्शन? ये आपको बता रहा है, दिस सेक्शन इज सेइंग कि अगर ये जो पहला जो आप डिग्री लेकर आए हो यहाँ पे, जो पहला आप सूट बता रहे हो कि पहले भी एक सूट हो चुका है इस बारे में, वो डिग्री अगर आपने फ्रॉड से ली थी या कल्यूजन से ली थी, या फिर अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि जो फर्स्ट डिग्री दी थी जिस कोर्ट ने, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं था डिग्री देने के लिए, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं था डिग्री देने के लिए, फिर भी उसने डिग्री दे दी, तो ऐसे में वो जो फर्स्ट सूट था उसे नहीं माना जाएगा। ऐसे में फर्स्ट सूट का जो जजमेंट था, इट शैल नॉट हैव इफेक्ट, उसका इफेक्ट नहीं होगा और रेस जुडिकाटा नहीं माना जाएगा। इतनी ही थी क्लास, इतनी ही थी क्लास। कल हम करेंगे एविडेंस का पार्ट टू, जहां से हम कहां से शुरू करेंगे, हम ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ये सारी ही बातें हम कल करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि कल की क्लास मिस मत करना। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये सबको इंटरेस्टिंग लगता है, आई नो इसमें सब लोग आ जाते हैं, लेकिन कल वाला जो पार्ट है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो कल जरूर आ जाइएगा। ये रहा सब्जेक्ट एनालिसिस, यहाँ पे जो भी आपके नोट्स हैं वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मेक श्योर करो कि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर ही उन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लो, अदरवाइज फिर वो पीडीएफ चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट। तो इट वॉज नाइस टीचिंग यू गाइज, आई हैड फन, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अभी लाइक दबाइए, अभी जुडिशरी गोल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रैपिड रिवीजन बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आने वाला है। कल भी रहेगी क्लास, कल भी 8:30 से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो कल भी मेक श्योर करें कि आप हमारी क्लास में बिल्कुल आ जाए। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच। अगर जुडिशरी गोल्ड में आपको एनरोल करना है तो ये रहा वन स्टॉप कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं टू नो अबाउट द लेटेस्ट बैचेस दैट वी आर लॉन्चिंग एंड एवरीथिंग। टेलीग्राम पे आप जुडिशरी गोल्ड सर्च करेंगे तो आपको पहला चैनल हमारा ही मिलेगा। ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कल हम मिलेंगे, तो कल की क्लास में मिस मत करिएगा।